जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलर ब्लाइंडनेस जो एक तरीके से कह लीजिए रतौधी होती है मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका चौथा क्वेश्चन देखिए एक्स किरण था रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों तो आपको बताना है ये शाखा कौन सी है कीमोथेरेपी रेडिएशन, सिस्मोलॉजी तो कभी नहीं होगा रेडियोलॉजी पॉसिबिलिटी है तो कमेंट करके बताइए कि एक्स रेज के खोजकर्ता कौन है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बन सकती है मैंने आपको बताया था बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करते हैं कि क्या होगा बारिश होगा नहीं होगा तूफान आएगा दोस्तों अगर अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी आने की संभावना होती है पाठ्यक्रम में अगर उसका पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है इसका मतलब आसमान साफ रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा मतलब वर्षा होने वाली है अगर अचानक बहुत तेजी से गिर जाता है दोस्तों इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है अगला क्वेश्चन देखिए कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है दोस्तों आप इस सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि लगातार मैं ऐसे जो कि सेशन आपके लिए ला रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कासा दोस्तों किसका मिश्र धातु है दोस्तों ये तांबा और टीन का है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से दूषित जल मिलने पर कौन सा रोग होता है अगर हम दूषित जल पीते हैं तो हमको क्या हो सकता है स्कर्वी तो नहीं होगा टाइफाइड एनिम

जब द्रव की सहानता बढ़ती है घटती है तो गैसों का क्या होगा घटेगा कि बढ़ेगा या फिर हो सकता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में ये बढ़ती है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी इक्कीसवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से आ, धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं क्यों नहीं किए एकदम दबा दीजिए तुरंत लाइक एंड शेयर एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए क्लास हर रोज आपको मिल रही है बिल्कुल एकदम तेजी से कीजिए दोस्तों सिल्वर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा बाईसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों समुद्र में तैरते हुए आइस बर्ग का कितना भाग समुद्र के अंदर डूबा होता है आइस बर्ग आपने देखा होगा जैसे समुद्र का ये होता है तो इसका कितना भाग डूबा होता है जी हाँ दोस्तों इसका जो भाग होता है वो वन नाइन्थ पार्ट डूबा होता है सही आंसर है और एक पार्ट वन टेंथ पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है नाइन्थ भाग नीचे होता है शरीर के अंदर पानी के अंदर और वंथ जो होता है बस वही ऊपर होता है अगला देखिए निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है जैसे हम लोग हम लोग गर्म खून वाले ही हैं ना सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका आ, जो कि वेल well भी होते हैं गर्म खून वाले शीत वाले छिपकली होते हैं जिनका मौसम के हिसाब से खून बदलता रहता है मतलब ठंडा गर्म होता रहता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था इकोलॉजी काल मार्क्स रीटर टेंसिले या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों इकोलॉजी सबसे पहले रीटर के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है तो बंगाल बेसिन में जो भूमिगत जल है वो कौन से रसायन की वजह से प्रदूषित हो जाता है जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये आपका आरसेनिक ऑप्शन नंबर ए इज राइट छब्बीसों क्वेश्चन देखिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस जो कि जो जाता आता है उसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस आधारित किस नियम पे काम करता है आजकल सभी कार में बाइक्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों कौन सा नियम है ये तो ये पास्कल के नियम को काम करता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट सताइसों क्वेश्चन देखिए से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है तो कौन है जो प्रत्यावर्ती सेल बैटरी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्तीवर्ती धारा का उदाहरण है डी का तो क्या लगता है सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहां पे ए सी डायनमो अल्टरनेटिव करेंट यहाँ पे डायरेक्ट करेंट नहीं है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ए सी डायनमो दोस्तों कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है इसका रीजन क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक बार लाइट कम होती है तो इसके पीछे का रीजन जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में होता है वोल्टेज की कमी होती है इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन के से कौन सा ओम के नियम से संबंधित है इन सभी ऑप्शनों में से किनका संबंध है जो ओम का नियम दिया गया है विक्रम सारा भाई जार्ज साइमन विक्टर सही आंसर दोस्तों जाएगा इनका जार्ज साइमन ऑप्शन नंबर बी राइट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन uh, नंबर पहला दोस्तों है कि मछली के हृदय कच्छ जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं मछली के हृदय में दोस्तों मछली का हृदय पूछा जाएगा तो इसमें टोटल होते हैं दोस्तों दो ऑप्शन नंबर सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में जो कि सीलियक रोग हो जाता है तो सभी क्वेश्चन में एक लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको सीलियक रोग कह रहा है तो बी ए बी सी डी सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में जाएगा विटामिन डी इज राइट ठीक है विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है विटामिन बी से आपको बेरी बेरी होता है विटामिन ए से आपको आंखों संबंधित रोता है और विटामिन डी से रिकेट सूखा रोग और सीलियक रोग होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सूर्य के धब्बों का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में तो सूर्य के धब्बों का आप कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस को अब पूरा लगाइए दोस्तों देखिए कितना आ रहा है सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है दोस्तों सूर्य का मैंने बताया है टोटल होता है उसके कोरोना का छह डिग्री सेंटीग्रेड उसके इनर लेयर में फिफ्टीन पॉइंट सिक्स करोड़ किलो सॉरी किलोमीटर बना रहा, बता रहा हूं आ, करोड़ सेल्सियस डिग्री सेंटियस होता है एक्चुअली सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है फोर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स किलोमीटर वही मैं करोड़ किलोमीटर मैं आपको बता रहा था आगे देखिए क्वेश्चन में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था इसके द्वारा बताइए ब्लैक होल सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था जॉन व्हीलर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जितने लोग को क्लासेस अच्छी लगती है मैं लगातार क्लासेस चला रहा हूं अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रमा की सतह का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं चंद्रमा के सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों चंद्रमा के सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी पेडोलॉजी बिल्कुल सही दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं सेलेनोलॉजी ऑप्शन नंबर ए इज राइट छठवां क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई जो है वो कितने किलोमीटर की है इजी है क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में काफी बार सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये है 33 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट का दोस्तों हो जाएगा 33 किलोमीटर आपको बताना दोस्तों की सर्वाधिक मात्रा में जो आपका धातु पाया जाता है क्रस्ट में वो कौन सा है कमेंट बॉक्स में सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फार्नेट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है दोनों इक्वल होता है वो ताप कौन सा है चालीस डिग्री सत्तर बारह या फिर सौ तो सेंटीग्रेड तथा फार्ने पैमाना समान पठन करता है दोस्तों आपका माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ए इज राइट right. अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है कौन सा है जो प्राइमरी कलर में नहीं आता है जी समुद्र समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध करते हैं हम लोग जी हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वास्पन विधि जिसके द्वारा दोस्तों समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है तो किस चीज का प्रयोग करके अक्सर यू में ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है जी हाँ दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से वर्षा कराया जाता है चौदहवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों टिबिया या फिर फीबूला नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है तो टीबिया या फिर फिबुला नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है कान में खोपड़ी में पैर में या फिर हाथ में तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ये देखिए पैर में पाई जाती है आपको कमेंट करके बताना दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है और कहाँ पे पाई जाती है बहुत ईजी है लेकिन बताइएगा पंद्रह क्वेश्चन देखिए रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है तो रक्त से संबंधित अध्ययन जो रक्त संबंधित अध्ययन होता है विज्ञान की कौन सी शाखा है दोस्तों तो दोस्तों याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज राइट सोलहवां क्वेश्चन दोस्तों है गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है ठीक है आपको प्रेशर ऑफ आप गैसेस गैसों का प्रेशर पता करने के लिए तो जी हाँ इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट सत्रहवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी आया है प्रश्न बहुत बार दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो की गई थी कैवेंडिस के द्वारा ठीक है इसको आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सभी ऑप्शन में कहाँ पर स्थित है तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे कोलकाता रानीगंज हर हमीरपुर दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं महलों का शहर भी कहते हैं और ये किस नदी के किनारे है तो हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है उन्नीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं वो तो कौन सा कोशिकांग है जिसको हम लोग एटम बम कहते हैं गालजिकाय केंद्रक लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों ये है आपका लाइसोसोम ऑप्शन नंबर सी जिसे हम लोग एटम बम भी कहते हैं अगला देखिए निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं किसके द्वारा जी हाँ दोस्तों ये डायनमो के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि डायनमो के आविष्कारक कौन है बहुत ही महानतम व्यक्तित्व तो है ठीक है जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं दोस्तों उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि लगातार मोटिवेशन मेरे लिए यही है और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ये वाली क्लास अब आपको डेली मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था साइंस को फिर से स्टार्ट कीजिए तो साइंस को फिर से स्टार्ट कर दिया गया और यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो उत्तक शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ये किसके द्वारा किया गया था लैंडस्टीनर वीच मार्सोले या फिर मेलपथी दोस्तों ये किया गया था हाँ आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी ब्लीच एंड के द्वारा यह किया गया था अगला क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज की बनी होती है प्रोटीन की लिपिड की कार्बोहाइड्रेट की या फिर ए तथा बी दोनों तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो ए तथा बी दोनों याद रखेंगे प्रोटीन से भी और लिपिड से भी अगला क्वेश्चन है आपका मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मछलियों में टोटल कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है जी हाँ दोस्तों पंद्रह बीस सबसे ज़्यादा मतलब सोलह परसेंट पाया जाता है प्रोटीन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों जीवो में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जी हैं जीवो में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जी हाँ दोस्तों जीवो में कुल मिला के बीस प्रकार के विटामिन आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं पेलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में हो जाता है पेलग्रा नामक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों पेलग्रा नामक रोग हमारी बॉडी में विटामिन बी फाइव की कमी से होते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन देखिए भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है पटल से जब आप आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तापमान आपका बढ़ेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट सत्ताईसवां क्वेश्चन लिखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका के से किस प्रकार से अलग है ठीक है पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो एनिमल्स होते हैं उनके से किस प्रकार से अलग होती है जी हाँ दोस्तों कोशिका भित्ति की वजह से बी इज राइट अट्ठाईसवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है ठीक है तो आपको बताना है ट्रोपोस्पेयर सबसे पहला वाला जो है बीस किलोमीटर अट्ठारह किलोमीटर आठ किलोमीटर या फिर चौदह किलोमीटर जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा आपका चौदह किलोमीटर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा उनतीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस प्रकार के बादलों को भेड़ मेघ या फिर ऊन के प्रकार के मेघ को कहा जाता है ऐसे कौन से बादल होते हैं यहाँ पे तो क्या लगता है दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसको बोलते हैं एल्टो क्यूमुलश ए इज राइट right, इस प्रकार के बादलों को बोलते हैं हम ठीक है क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है तो सभी क्वेश्चन के लिए लिमिटेड आपको पांच सेकंड का टाइमर मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा कि पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है ऐसा आपको फील होता है क्वेश्चन दूसरा दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों के के रूप में किया जाता है ऐसे कौन से रबड़ वैसे रबड़ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों वो है केरला, जिसको हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों, ये होता है, थाइकल रबड, हम लोग मिलाते हैं जो घरों में हमारे इस्तेमाल होता है दोस्तों एलपीजी उसमें नब्बे परसेंट एलपीजी होता है दस क्या होता है प्रयोग करते हैं हम लोग जिससे कि गैस लीक होता है तो महकने लगता है हमको इसी वजह से पता चलता है चौथा चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों टंगस्टन का गलनांक ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों आपको पता होना चाहिए बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों इसका गलनांक होता है तीन हजार डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर सी राइट पांचों क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस वर्ष आई यू जो कि आई एय द्वारा प्लूटो के ग्रह को श्रेणी से बाहर ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो बौना हो गया था और उसके अपने साथ साथ एक छोटा सा पिंड लेके सूर्य की परिक्रमा कर रहा था तो ग्रहों की सूची से दोस्तों इसको निकाल गया था दो हजार छः में दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा सेटेलाइट है बयासी आपको कमेंट करके बताना है देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं छठा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है मतलब इस स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को उठा के ऊपर फेंक दिया जाए तो अंतरिक्ष में रह जाएगा वापस वो गिरेगा नहीं इसके फेलासिटी जी हाँ दोस्तों ये है आपका इलेवन किलोमीटर प्रति सेकेंड एक ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर हम किसी वस्तु को मोबाइल मोबाइल फोन को भी भेज फेंक दें ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगा नीचे नहीं गिरेगा क्वेश्चन अगला दोस्तों अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है

जो मानव नहीं सुन सकता और ये बस चमगादड़ और कुत्ते सुनते हैं चमगादड़ अपने खाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं मतलब इसको उत्पन्न भी करते हैं दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों वह थर्मामीटर जो दो डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए काम आता है क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार तो वह थर्मामीटर कौन सा है जो दो डिग्री सेंटीग्रेड का सेंटीग्रेड का मापन करता है जी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर सीज राय दस क्वेश्चन दोस्तों देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन क्या है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है कह सकते हैं इस प्रकार से जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गैस अड़ुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है इस वजह से ऐसा होता है ग्यारहवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों प्रतिदिन मानव शरीर में कितना नमक की आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी में डेली पचास ग्राम पाँच मिलीग्राम चार या फिर सौ मिलीग्राम दोस्तों प्रतिदिन पाँच मिलीग्राम का हमको आवश्यकता पड़ता है बॉडी में बारह क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से हम किसे जानते हैं जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाल शराब के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं अल्यूमिनियम एसिटेट को ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है डेली टेस्ट लगाई जिससे आपको लगातार इंप्रूवमेंट होगा और सारी चीजें आप धीरे धीरे याद भी कर पाएंगे ठीक है तो लाइक शेयर कीजिएगा क्वेश्चन अगला दोस्तों हमारा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात परसेंटेज में लगभग कितना है वायुमंडल में मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्रतिशत आपका नाइट्रोजन है अठहत्तर परसेंट सॉरी नाइट्रोजन अठहत्तर परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है एंड ऑक्सीजन दोस्तों आपका ट्वेंटी वन परसेंट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे आगे देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है कौन सी गैस को हम लोग हंसाने वाली कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है जी दोस्तों हंसाने वाली गैस है जो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड ए राइट पंद्रहवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसे एक काला सोना भी कहा जाता है तो काला सोना भी दोस्तों किसे कहते हैं कोयला ग्रेफाइट कार्बन या फिर पेट्रोलियम बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काला सोना दोस्तों हम लोग जिसे कहते हैं वो है आपका पेट्रोलियम डी इज राइट सोलहवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लेते हैं नायलान का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था तो नायलॉन जो है दोस्तों इसका आविष्कार जो किया गया था वो किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था तो बिल्कुल से दोस्तों नायलॉन का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था कैथार्स के के द्वारा द्वारा किया गया था क्वेश्चन अगला दोस्तों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था इकोलॉजी शब्द जो सब्द सबसे पहले यूज किया गया था किसके द्वारा जी हाँ दोस्तों इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले द्वारा रीटर के द्वारा किया गया था बी इज राइट अठारह दोस्तों हमारा क्या देख लेते हैं आराम की स्थिति में मानव का स्वास्थ्य दर जो होता है वो कितना होता है जब रिलैक्स के मूड में होता है ह्यूमन तो उसका जो श्वसन दर होता है उस पर क्या होता है जी हाँ दोस्तों वो तकरीबन होता है चौदह से लेकर अठारह के बीच में क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों निम्नलिखित में से प्लाज्मा का कार्य क्या होता है इन सभी ऑप्शन में से के परिवहन में सहायक प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक रुधिर के पीएच मान का नियमन नियंत्रण जी हाँ दोस्तों सैंसर हो जाएगा सभी के सभी जो प्लाज्मा का कार्य मेन क्या है उषमा का परिवहन करना परिवहन सहायक प्रतिरक्षित तंत्रों में सहायता करना रुधिर के पीएच के के जो कि नियमन और नियंत्रण करना है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था तो ये मेंडलीफ है तो आपको यहाँ पे बस आंसर करना है देखते ही आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्कीस क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है थ्राम्बोसाइड्स का जीवन काल लगभग कितना होता है एक दिन आठ से दस दिन दो से चार दिन या फिर इनमें से कोई नहीं तो का दोस्तों जीवन काल होता है आठ से दस दिन का ऑप्शन की द्वारा की खोज किस वैज्ञानिक किया गया था जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा ऑप्शन नंबर इज राइट तेसवा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है जब किसी संकुचित जो की स्लिंकी को छोड़ दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है यहाँ पे वो एक तरीके से जो स्पंज वाला होता है स्प्रिंग टाइप से वही होता है स्प्रिंग स्प्रिंग ही है वो तो गति ऊर्जा ये गोला 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 जो रहता है इसको दबा रहता है इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा फिर गति ऊर्जा में चेंज जाता है क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या होता है क्या होता है भाई अमीबा का उत्सर्जन अंग जी हाँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा अमीबा का जो उत्सर्जन अंग है दोस्तों तो वो है आपका जो कि शरीर में रिक्तियाँ पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं साइकिल साइकल की सवारी करते समय निकलने वाला ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से रूप में नहीं होता है आपको बताना है कौन से रूप में नहीं होता है जी हाँ दोस्तों केमिकल नहीं होता है ना यांत्रिक गतिज गति होता है लेकिन रासायनिक नहीं होता है एक्चुअली यहाँ पे नहीं है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इस क्वेश्चन में छब्बीसवा क्वेश्चन देखिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है रीजन क्या है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है इसका रीजन क्या है जी हाँ दोस्तों इसका रीजन हो जाएगा घनत्व जो उसका घनत्व होता है पानी के घनत्व के बराबर होता तो है इस वजह से क्वेश्चन देखिए एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो इसमें जल का भार क्या होगा गुब्बारा तो भारहीन है जल भरा जा रहा है तो मतलब क्या ग्राम में पूछा जा रहा है सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शून्य तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका भार पूछा जा रहा है इस वजह से आपका शून्य हो जाएगा क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा ये हो सकती है आपकी अट्ठारह बीस राइट उन क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है उनका कम क्या तापमान वेग घनत्व वे, या फिर दाब क्या हो सकता है जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी देखिए डेंसिटी घनत्व तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों मानव शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है अगर आपके बॉडी में तांबे की अधिकता हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है जी हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसमें देखिए विल्सन जो कि रोग होता है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने साइंस का एक हजार प्रश्नों का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज कवर किया है आप इन सभी एक हजार प्रश्नों को तैयार करके जाइए और इन सभी के डिटेल भी मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं दोस्तों ये ई बुक जो है बहुत मेहनत से मैंने बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये ई बुक हिंदी में है तो केवल हिंदी वाले ही ले दूसरा कोई नहीं लेगा अति संभावित है इसको जरूर ले लीजिएगा दूसरा दोस्तों जो हमारा ई बुक है जीके का जो कि अब तक तेरह हजार बच्चे क्रॉस कर चुके हैं इसको लेने के लिए क्योंकि मैंने इसमें जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं उन सभी टॉपिक को एक साथ एक ही ई बुक में कवर

जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही सीख जाएगा मांसपीसियो की टोटल संख्या छह सौ उनतालीस कितना सिक्स थ्री नाइन याद रखेंगे तीन दुनी छह तीन त्रिका नौ अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वैसे मेल और फीमेल का अलग अलग था मैं बताऊंगा सही सर दोस्तों ये मानव शरीर का सात प्रतिशत होता है एक एवरेज जो कि होता है फाइव टू सिक्स लीटर मेल में होता है एंड फोर टू फाइव लीटर जो होता है वो फीमेल में होता है तो ये भी याद रखेगा क्वेश्चन तीसरा दोस्तों अति महत्वपूर्ण है आर की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों जो लाल रक्त कड़ीएं होती हैं इनका जीवन काल आपको पता है ज्यादा होता है 120 दिन तक का होता है इसको दोस्तों हम लोग मानते हैं जो कि हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि डब्ल्यू का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है जो श्वेत रक्त कड़िकाएं होती है चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हेपरी नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों आपका हेपरीन जिसका उत्पादन किसकी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों हेपरिन का उत्पादन जो किया जाता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है जो क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन जो होता है कहां से होता है तो छोटी आत से ही होता है छोटी आत में होता है मनुष्य पित्त का रस का पीएच मान दोस्तों कितना होता है तो पित्त रस जो होता है इसका भी पीएच मान जरूर आपसे एक से दो जरूर पूछेगा तो इसको आपको याद रखना दोस्तों हो जाएगा आपका 7.7 होता है दोस्तों 7.4 मैंने दो का बताया था एक एंड दो जब गुस्सा आता है तो ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो बताइए कौन है, है, में। है दोस्तों हमारे दिमाग का भार जो होता है किडनी का, का भार 150 ग्राम का होता है और मनुष्य के हृदय का जो भार होता है दोस्तों वो तीन ग्राम का होता है ऑप्शन नंबर सातवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता है इसका रीजन क्या है ऐसा क्यों होगा जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसीलिए हम ज्यादा ऊपाई तक नहीं भेज सकते आठवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण भारत भौतिक भारत, शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था मैंने आपको बताया था मैडम क्यूरी को जो पहला अवार्ड मिला था वो मिला था उन्नीस में फिजिक्स के लिए एंड उसके बाद उन्नीस में मिला था मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन अगर इस सौर सेल का आविष्कार कब किया गया था क्वेश्चन आया है बहुत बार आपकी परीक्षा में तो सौर सेल का आविष्कार कब किया गया तो सौर सेल का दोस्तों जब आविष्कार किया गया था यह किया गया था उन्नीस में ऑप्शन नंबर सी राइट दसवा दस क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं पे डॉपसन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए हीरे की मोटाई ओजोन की मोटाई डॉपसन इकाई दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए आपको बताइए कि यह किस मंडल में है क्वेश्चन आया है बहुत बार बताइए ओजोन लेयर जो है ओथरी जो लेयर है यह किस मंडल में है अगला क्वेश्चन देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो जी हाँ इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा इसमें देखिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट बारहवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है इसका प्रमुख कारण क्या है दूध को जब हम मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग होती है इसका प्रमुख कारण क्या है जी हाँ दोस्तों इसका प्रमुख कारण है अपकेंद्रीय बल ऑप्शन नंबर डी इज राइट तेरहवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या देखिए जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है जी हाँ दोस्तों ये होता है पंद्रह से लेकर पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर बीज राइट चौदहवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं नासा का अंतरिक्ष यान कैसनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है तो नासा का अंतरिक्ष यान जो है कैसिनी वो कौन से ग्रह के मिशन संबंधित है दोस्तों कैसिनी जो है वो सनी के लिए है ऑप्शन नंबर सी इज राइट और शनि के पास दोस्तों सबसे ज्यादा उपग्रह है उपग्रह कितने हैं आपको कमेंट करके बताना है अठहत्तर उपग्रह जो है ये आपके बृहस्पति जो सबसे बड़ा है और इन सभी को देखिए जो सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को लगते हैं उनतीस साल मंगल को लगते हैं छ दिन और बृहस्पति को लगते हैं बारह साल क्वेश्चन अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कड़ों की चाल का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा है आपको बताना है जिसमें अति सूक्ष्म जो कि कड़ों की चाल का अध्ययन करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है दोस्तों आप इस सब इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा लगातार मैं क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ एग्जामिनेशन तक टिल रुकने वाला नहीं है लगातार आपको रिवीजन क्लास मिलेगा तो जरूर से आप प्रतिक्रिया बटन को दबाएं इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बटन को दबा लीजिए जिससे कभी भी आपका कोई भी क्लास मिस ना हो आगे बढ़ते हैं सोलहवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है अगर आपके बॉडी में आयरन अधिक है तो क्या होगा यहाँ पे बताना है आपको मेरस हाँ मेरसमस होगा लोह मेहता जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में जाएगा लोह मैता फेरोसिटी होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट सत्रहवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड या फिर फाल्स गोल्ड हम लोग किसे कहते हैं मतलब ऐसा गोल्ड जो पहन के आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं दोस्तों आयरन पायराइड ऑप्शन नंबर डी इज राइड अठारहवां क्वेश्चन देखिए किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता की एक कटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इवन कहीं ना कहीं उसको हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए भी गेलवेनाइजेशन करते हैं गेलवेनीकरण करते हैं सी राइट right. उन्नीसवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है क्या नाम है जी हाँ दोस्तों ये है आपका एथलीन ऑप्शन नंबर ए इज राइट right. बीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं पे निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है जी हाँ दोस्तों सबसे हल्की धातु तो इन सभी ऑप्शन में से है लिथियम बीज राइट एक क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है तो आतिशबाजी के दौरान दोस्तों जो हरा रंग है ये उत्पन्न होता है किसकी बोरियम की वजह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है एक ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एक ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जी हाँ दोस्तों ये होती है नाइन पॉइंट थ्री कैलोरी ऊर्जा प्राप्त सी इज राइट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख ले हैं ओजोन के एक अड़ु में कितने परमाणु होते हैं ओजोन के एक अड़ु में कितने परमाणु होते हैं जी हाँ है दोस्तों ओजोन के एक अड़ु में तीन परमाणु होते हैं और यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत रोकता है क्वेश्चन देखिए मानव खोपड़ी था मस्तिष्क का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया जाता है जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यह ईसा हो जाएगा क्वेश्चन में मस्तिष्क विज्ञान ऑप्शन नंबर ए इज राइट पच्चीसों क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे पौधों की वृद्धि मापी जाती है किसमें फोटोमीटर में क्रस्टोग्राफ फोटो में हाइड्रोमीटर में या फिर पायरोमीटर में तो पौधों की वृद्धि को दोस्तों हम लोग मानते हैं कैस्टोग्राफ में ऑप्शन नंबर बी इज राइट छब्बीसों क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं भारी जल का अविष्कार किसके द्वारा किया गया था भारी जल का जो अविष्कार है उसका किसके द्वारा किया गया था दोस्तों डी का देखिए ए तथा बी दोनों जो कि वॉपसन जो कि यहाँ पे इन्वेंटेड बाय यहाँ पे इतना ही आंसर होगा और यूरे दोनों लोगों के द्वारा किया गया था यहाँ पे क्वेश्चन अल्कोहल को जब पेट्रोल मिला दिया जाता है तो क्या होता है अल्कोहल को अगर हम पेट्रोल में मिला देते हैं तो क्या होता है जी हाँ दोस्तों एल्कोहल को जब हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो पावर एल्कोहल का निर्माण होता है अट्ठाईसवां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों प्रावैग्निक किरणों पर पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रह जाती हैं कौन है दोस्तों इसके लिए तो इसको बोलते हैं जेल्थोफिल ऑप्शन नंबर बी राइट जेन्थोफिल ठीक है क्वेश्चन देखिए तो वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है तो आपने देखा होगा वर्षा के बूंदों का आकार गोल होता है जी हाँ सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है एज राइट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है अपेक्षित आद्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है अपेक्षित आद्रता जो है किस उपकरण के द्वारा मापते हैं जी हाँ दोस्तों अपेक्षित आप आंसर आपको कमेंट करके बताना है एक्चुअली में क्या सही होगा क्योंकि लैक्टोमीटर से तो हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं एंड हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी मापते हैं और हमारा ऑप्शन पूछ रहा है ह्यूमिडिटी तो कमेंट करके बताइए देखते कितने लोग बताते हैं कि अपेक्षित आद्रता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है जीके का बुक e तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ले लिया होगा अगर नहीं लिया है तो जीके के जितने भी सत्तर से ज्यादा टॉपिक बनते हैं आपके परीक्षाओं में उन सभी को मैंने एक ही बुक e में कवर किया है और अब तक का बेस्ट ई e बुक अप्रोक्सीमेटली साढ़े तेरह हजार के आसपास ये बच्चे ले चुके हैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है लेके फटाफट रिविजन कीजिए और जीके आपके परीक्षा में दस नंबर का आता है और सभी पेपर में पूछता है चाहे एस हो चाहे जी हो यूपीएसआई हो यूपी ट्रपल एस हो बैंक हो एम हो सी हो सब में आता है तो आप ये आपका ये हमेशा आपको काम देगा रिवीजन के लिए तो दोनों का लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट ले लीजिएगा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भस्म मिथाइल ऑरेंज को निम्न में परिवर्तित कर देती है भस्म की बात कर रही है ऑरेंज कलर को ये किस में चेंज करती है दोस्तों ये चेंज करती है पीला में ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का एक प्रकार नहीं है तो कौन सा है जो लोहा का प्रकार नहीं है आप कमेंट करते रहिए पूरा लास्ट तक देखिए सही आंसर दोस्तों लिग्नाइट जो एक लोहे का प्रकार नहीं है बाकी मैग्नेटाइट हेमेटाइट एंड लीमोटाइट ये सब लोहे का ही प्रकार है अच्छा कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हम लोग रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को ना लाल प्लेनेट क्यों कहते हैं क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों हड्डियां तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है हड्डियों तथा दांतों में जी हाँ दोस्तों मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट दांतों के लिए कैल्शियम जो हड्डियों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस तो हड्डियाँ कैल्शियम जो है आपका दांतों और हड्डियों में भी पाया जाता है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप सभी को पता है फीमर सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों हो जाएगा स्टपीज जो कि कान पाया जाता है और ये हमारे थाइस में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हारमोन कौन है ठीक है तो ये कौन सा हारमोन है इनका नाम आपको बताना है सेंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका ट्रिप्सिन जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है यहाँ पे ठीक है तो ट्रिप्सिन याद रखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखिए इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है जी हाँ दोस्तों रिलीज होता है ये कहाँ से दोस्तों ये रिलीज होता है पैंक्रियाज से बोले तो अग्नाशय से ही रिलीज होता है इंसुलिन अगर आपके बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो आपको हो जाएगी बीमारी कौन सी मधुमेह डायबिटीज तो ये भी याद रखेंगे डी इज राइट right. छठों क्वेश्चन दोस्तों मनुष्य किडनी से बनने वाली पथरी को मनुष्य के जो किडनी में पथरी बनती है वो एक्चुअली में क्या होता है अक्सर आपने सुना होगा किडनी में स्टेन हो स्टोन होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम ऑक्जलेट ऑप्शन नंबर ए जैट मनुष्य के किडनी में बनने वाला जो स्टोन होता है जो पथरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट एंड किडनी का वेट दोस्तों कितना होता है तो किडनी का वेट दोस्तों होता है मात्र एक ग्राम मानव शरीर में दो किडनियाँ पाई जाती हैं जो जितनी भी खराब चीज़ें हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वो कितना होता है जिसको एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्ताब होता है वो वन ट्वेंटी टू वन होता है इसको सिग्मो स्पिगमो माइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं आर का जीवन काल कितना होता है मैंने कल आपको बता ही दिया था इसके बारे में आर का जो जीवन काल दोस्तों वो होता है आपका एक दिन का और डब्लू जो होती हैं श्वेत रक्त कड़काएँ जो हमारे मानव शरीर में प्रतिरक्षित तंत्र को बनाती हैं एंटीबॉडी बनाती हैं लगातार लड़ती रहती हैं बीमारियों से इनका जीवन काल मात्र चार दिनों का होता है आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों दोस्तों शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया किया गया था, किया गया था था वो जॉनसन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए राइट क्वेश्चन है कि कितने डिग्री तापमान पर वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है वसा फैट को बोला रहा है जी हाँ दोस्तों है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी ग्यारह क्वेश्चन देखते दोस्तों के, केरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क से होती है केरोटियस नामक बीमारी दोस्तों किस संपर्क होती है ये आर्सेनिक के संपर्क से होती है ऑप्शन नंबर बी इज राइट अगला देखिए मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है <coughs> गंजापन रोग दोस्तों किसकी वजह से होता है यह होता है टीनिया टिपिटियस याद रखेंगे जो गंजापन रोग होता है किसकी वजह से होता है टिनिया टिपिटियस के वजह से तेरह क्वेश्चन देखिए एम आर आई से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप बता सकते हैं कि एम आर आई किसके लिए हम स्पेशली कराते हैं मतलब बॉडी के कौन से पार्ट के लिए देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग ऑप्शन नंबर सी फुल फॉर्म बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा हो गया है क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़ तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है अलैंगिक प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वनस्पति प्रचार बोलते हैं वेजिटेबल प्रोपोगेशन बोलते हैं बी इज राइट ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन अगला देखिए कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस जो है किसे हम लोग कहते हैं तो पावर हाउस बोल रहा है कोशिका का दोस्तों तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं याद रखेगा अच्छा एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं तो कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है हम लोग किसे बोलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो बहुत ईजी हो गया ये आपको पता है कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है लीवर ऑप्शन नंबर बी यकृत ठीक है एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है अग्नाशय जो उसको उत्तेजित करती है और छोटी याद दोस्तों क्या है तो हमारे भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है अगला देखिए खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है तो इसमें देखिए जो उपयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी खाद्य पदार्थों का होने के लिए अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में दोस्तों कितना है तो ये इक्कीस परसेंट और नाइट्रोजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है ये है आपका सेवेंटी वन परसेंट अगर आर्गन का पूछेगा तो जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट है अगर आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों तो जीरो है आपका सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो स्तरीय समान गति से गतिमान रहने के लिए आदेश करती है वो कौन सी है व्यवस्थित वस्तुओं को प्रकृति में जो स्तरीय समान सही आंसर दोस्तों जाएगा ये आपका जड़त्व इनर्सिया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ला ऑफ इनर्सिया किसके द्वारा दिया गया किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया बताइएगा अगला देखिए दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था ये किया था विलियम हार्वे ने ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पृष्टले के द्वारा क्या खोजा गया ठीक है ये बहुत बार प्रश्न आया है तो कमेंट करके बताइए कि पृष्ठले के द्वारा क्या खोजा गया अगला देखते हैं मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास कौन करता है प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है मैंने अभी आपको बताया प्रतिरक्षित तंत्र बनाता है जैसे कोरोना वायरस आपके बॉडी में हो गया तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा वो डब्ल्यू करेगा तो ये श्वेत रक्त रक्तिकाएं जी का जीवन काल मात्र चार दिन का होता है आर का जीवन काल दोस्तों एक दिन का होता है इंस्टेंट आपको बॉडी में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया इनका नाम है जो कि एडवर्ड टेलर ऑप्शन नंबर ए इज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैडम क्यूरी दोस्तों जिनको दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया रेडियम की खोज इन्होंने की इनको फिजिक्स में एक बार मिला एक बार केमिस्ट्री में मिला एक बार इनको उन्नीस में मिला एक बार उनको उन्नीस में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अच्छा बताइए रॉन्डजन ने किसकी खोज की है बहुत ईजी है बताइए कमेंट करके गैलीलियो ने टेलीस्कोप का अगला क्वेश्चन देखते हैं रासायनिक गुणों से मंडलीफ ने कौन से तत्व के द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है तो ये दोस्तों कौन सा है ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए इज राइट तेसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है बसंतीकरण शब्द का प्रयोग स्पेशली किसके लिए किया जाता है दोस्तों तो बसंतीकरण जो है ये स्पेशली जो प्रयोग किया जाता है ये टी डी लाइन केसों के द्वारा किया जाता है ए इज राइट चौथवा क्वेश्चन दोस्तों देख ले पादप हार्मोन नहीं है ठीक है पेड़ पौधों का जो हार्मोन है इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा है जो नहीं है जी हाँ दोस्तों ये है कैल्शियम ऑप्शन नंबर ये इनका हार्मोन ये नहीं है बाकी सारे के सारे आपके हैं अगला देखते हैं चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है तो चावल को धोने से दोस्तों हमारा थाइमीन विटामिन जो है आपका नष्ट हो जाता है ए इज राइट अगला देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए जो सही है पढ़िए और बताइए कौन सा है चंद्र ग्रहण के लिए दोस्तों सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण कहलाता है अगला देखिए ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है जी हाँ दोस्तों ये है आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एफ सी जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं ओजोन परत को यहाँ पे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है सी ओ ये भी क्षति पहुंचाता है अगला देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्यों इसका रीजन क्या है पीसा की हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अंदर के अंदर रहती है इस वजह से ना तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो गिरती नहीं है अगला देखिए दोस्तों माइको राजा एक सहजीवी संबंध होता है राजा एक सहजीवी संबंध होता है किसके किसके बीच में जी हाँ दोस्तों ये होता है आपका कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में होता है सी इज राइट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग प्राप्त करते हैं जिप्सम से बी इज राइट दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मैं लगातार इसकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ देखते हैं आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों कौन सा जो कि यंत्र प्रयोग करते हैं इसका दोस्तों नाम है हीमोसाइटोमीटर इसी से देखिए आरबीसी की संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त मतलब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली वाहियाँ होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं वेन्स सिराएं बोलते हैं <coughs> जो पूरे बॉडी से हृदय की ओर ब्लड को लेके जाने का काम करती है क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार तीसरा क्वेश्चन देखिए कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या मिला होता है नाइट्रेट बाईकार्बोनेट सल्फोनेट दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फोनेट मिला होता है जो कपड़ा और बर्तन धुलने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल होता है उसमें सल्फोनेट मिला होता है चौथा क्वेश्चन देखिए लोहे का शुद्धतम रूप इन सभी ऑप्शन में से क्या है जी हाँ दोस्तों सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है पिटवा लोहा इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे शुद्धतम रूप है पांचवा क्वेश्चन देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी का परसेंटेज में कुछ भी चांदी से नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ठीक है छठों क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए देखिए लोहे में क्रोमियम और निकेल बनाया जाता है और स्टेनलेस स्टील को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं मतलब वेल्डिंग नहीं कर सकते इसका सातवां क्वेश्चन देखें यूरिज्म से किस में कार्बन नहीं होता है इन सभी ऑप्शन में से तो कार्बन जाहिर सी बात है एक ही दिख रहा है आपको स्टैंड बालू में कार्बन नहीं होता है बाकी ये तीनों जो कि एक तरीके से कर लीजिए दो तो कार्बन का पुरुक है कोयला आपका कार्बन होता है इसमें आठों क्वेश्चन इंग्लिश में से कौन से प्राणी अपने आँत में जल का संग्रह कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऊट जो है अपने आँतों में जल का संग्रह कर लेता है और बहुत दिनों तक वो बिना जल के भी रह सकता है फटाफट रिविजन शुरू कर दीजिए एंड बाकी दोस्तों जी के कवर करना चाहते हैं तो जीके के सभी सत्तर से ज़्यादा टॉपिक जो टी सी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है इन सभी को लेके आप फटाफट एकदम रिवीजन करके याद कर लीजिए जिससे आप दस नंबर को अपने फिक्स कर सकते हैं और इससे बाहर आपका जी जाने वाला नहीं है सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है और ये सभी परीक्षाओं में अगर आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं सीजीएल बैंक उत्तर प्रदेश पुलिस यू पी एस आई सबके लिए आपको हेल्पफुल होगा तो आगे आपको हमेशा ये काम देगा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे देखिए निम्नलिखित दोस्तों एम्फीबियंस की विशेषता क्या नहीं है तो एम्फीबियंस दोस्तों केवल जल में नहीं रहते हैं वो जल और स्थल दोनों में होते हैं त्वचा में सलेस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनकी केंद्रक के युक्त आरबीसी पाया जाता है इनके हृदय में तीन प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं मनुष्य के लार में एंजाइम पाए जाते हैं <coughs> कौन से मनुष्य के लार में दोस्तों जो एंजाइम पाए जाते हैं वो आपका ए तथा बी दोनों मेल्ट माल्टेज एंड टाइलिन ठीक है क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में माल्टेज एंड टाइलिन दोनों पाया जाता है और भोजन का पाचन आपका इन्हीं से शुरू हो जाता है मुख से ही शुरू हो जाता है निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम मोम है तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैराफीन जो मोम होता है पेट्रोलियम वही आपका मोम होता है ऑप्शन नंबर बी अगला दिन दोस्तों अमीबा का वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार पूछा गया है बहुत ईजी है जी हाँ दोस्तों अमीबा का वैज्ञानिक नाम जो है अमीबा प्रोटियस है दोस्तों बॉस इंडिकस किसका नाम है कमेंट करके बताइए कि बॉस इंडिकस होमोसैम्पियस तो मनुष्यों का है बॉस इंडिकस किसका है बताइए सत्रहों को देखिए एक व्यक्ति के रक्त के पीएच के मान में कितना प्रतिशत की कमी अगर हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों मनुष्य के जो रक्त का पीएच होता है वो होता है सेवन अगर ये सेवन हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में परिवर्तन हुआ तो निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है जी हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो आपका कैल्शियम है ऑप्शन नंबर डी इज राइट उन्नीसवां क्वेश्चन देखिए पसीने का मुख्य उपयोग क्या है मतलब वो क्या करता है जी हाँ दोस्तों पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे बीसवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब किसी बोतल में भा आ, पानी भर उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों जी हाँ दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि पानी जमने पर फैलता है इसी वजह से ऐसा होता है अगर आपने प्लास्टिक का बोतल फ्रिज में रखा होगा तो फैल जाता है रीज़न इसका यही है दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं सभी लोग लाइक कर दिया करें जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है और प्रतिक्रिया बटन बनाया भी इसीलिए गया है तो आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि मैं लगातार मेहनत से सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों तक भी पहुँचे कहीं पर भी शेयर कीजिए लेकिन कीजिए चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे इक्कीसवां क्वेश्चन देखिए साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ यह है कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं सी इज राइट अगला देखिए क्वेश्चन दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं जो रेडियो वेव्स होते हैं जी हाँ है दोस्तों ये आयन मंडल जो सब बाहर बहिर्मंडल जो है वहीं से आपका ये परावर्तित होता है अगला देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वो धातु में होता है मेटल में होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं भा भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे कौन सी जगह पे दोस्तों भारत में इन सभी ऑप्शन में मुंबई में भारी जल बनाया जाता है वैसे अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है तो उड़ीसा के तलचर में बनाया जाता है सबसे ज़्यादा डी जो कि नाभिक में मंदक का काम करता है नाभिकी रिएक्टर में परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं केंद्रक में पाए जाने वाले मूल कण दोस्तों आप सभी को पता है ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की कमेंट करके बताइए एक ट्रिक है ना इसका ईटा पर नाच आगे बढ़िए क्वेश्चन में पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसमें एक तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है दोस्तों ये तो उसकी पत्तियों में ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है तो जी हाँ दोस्तों ये कौन है ये है दोस्तों जीवाणु सूक्ष्म सेवाल और कवक जो कि उद्योगों में इसको व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है अट्ठाईसवा क्वेश्चन धान के पौधे उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई कहाँ से धान के पौधे उगाने के दोस्तों ये फिलीपींस से शुरू हुआ तो एक हज़ार प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण अति संभावित है आपके ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी में है तो इंग्लिश वाले मत लीजिएगा और सभी प्रश्न दोस्तों आप डिटेल के साथ पाएंगे सभी क्वेश्चन के डिटेल भी दिए गए हैं इस ई बुक पी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप वहाँ से इसको ले सकते हैं अगर आप अच्छे से रिविजन और याद करना चाहते हैं एंड दोस्तों ई बुक जो मैंने जी का लॉन्च किया है जिसमें लगभग सारे टॉपिक जो आपके जीके में पूछे जाएंगे इसमें कवर कर दिए गए हैं आपको बस लेके इसको फटाफट सारा रिविजन करना है एग्जामिनेशन आते आते तक पूरा कवर करना है इस ई का लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोनों ई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे ले सकते हैं वहां से चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावनाएं किस देश कि, संभावनाएं देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में थोरियम के भंडारों पर ये निर्भर करती है ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन जो संभावनाएं है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है तो ये कौन है दोस्तों इसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई है दोस्तों ये है आपका हमारा पिग जो है रेशों को अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाता है तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आया है काफी बार ये निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का कारण होता है मतलब टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसकी से होता है जी दोस्तों टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है क्वेश्चन आया है इसको आप लोग याद रखिएगा एज राइट चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दोस्तों क्वेश्चन देखिए रॉबर्ट बेब्स्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों रॉबर्ट बेबस्टर याद रखिए नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा वायरस ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसमें जो सही तरीके से इनका योगदान जो दिया गया ऑप्शन नंबर है इसीलिए इनको जानते हैं हम लोग इनका नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ रॉबस्टर रॉबर्ट बेब्स्टर याद रखेंगे पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलेगी फुटबॉल के ब्लैडर से

पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों पोलियो के टीके की दोस्तों जो खोज किया गया था वो जॉन सॉल के द्वारा किया गया था इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बताइए लुइस पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था यह भी प्रश्न काफी बार आया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों तो ये आपका हार्टीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है जी हाँ दोस्तों ये स्थित है आपका बेंगलुरु में कैपिटल ऑफ कर्नाटका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों जब ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे दोस्तों वायुदाब कम होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसलिए देखिए कहते हैं ऊंचाई पर हम लोग चावल को कम समय पका सकते हैं ज़्यादा समय पका सकते हैं फिर पका ही नहीं सकते ये ठीक है दसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है यहाँ पे द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करेंगे तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा घटेगा कम होगा देखिए सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों ओस की बूंदे जो पत्तों पर गोल होती है उनका रीजन क्या है कमेंट करके बताइए ईजी है क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है हमारा किरणों की खोज इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया दोस्तों परावैग्न जो किरणों की खोज की गई वो किया गया था रीटर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कम से कम एक दो शेयर कीजिए कहीं पे कीजिए लेकिन कीजिए ठीक है जिससे दूर तक जा सके और भी लोग क्लास में जुड़ सकें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है डब्ल्यू द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है ठीक है सर्वोत्तम ध्वनि स्तर जो आइडियल एक डेसिमल है वो कितना है डेसिबल दोस्तों ये है 45 जो कि वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया बताया गया वैसे तो 40 भी है लेकिन 45 इनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन अगला दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों इनमें से किसके पायस है इसका मतलब किस में दूध जल पेंट देखिए दो या दो से अधिक अमिश्रित को जो हम मिलाते हैं तो क्या लगता है चलिए छह क्वेश्चन आपके लिए इसमें दूध होगा कि पेंट होगा फिलहाल मैंने यहाँ पे आंसर पेंट में दिया है तो दूध होगा कि पेंट होगा कमेंट करके बताइए चौदह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है लकड़ी की जो भी वस्तु होती है वुडन उसमें कीड़ों से बचाने के लिए दोस्तों उसमें जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है जिसमें उसमें कीड़े ना लगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा पंद्रहवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला इन सभी ऑप्शनों में से कौन है सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है तो एंथ्रा कोयला दोस्तों जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए ये मैंने आपको लास्ट जो कि सेशन में पूछा था सोलहवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है जुगनू रात में चमकता है रीजन इसका क्या है दोस्तों मतलब जुगनी जुगनू के चमकने का तो लुसी ऑप्शन नंबर इसमें से देखिए जुगनू चमकता है उसका जो चमक है अगला क्वेश्चन देखिए माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी सी जाएगा यहाँ पे अठारह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है दोस्तों ये किसमें होती है तो रेड कलर में होती है और सबसे पहले ही और इसमें क्या क्या चाहिए होता है इसमें एच चाहिए होता है इसमें सी चाहिए होता है इसमें धूप चाहिए होता है और इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है इन सभी के बाद यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी है दोस्तों तो रक्त का थक्का बनाने के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो है आपका फाइब्रीनोजेन ऑप्शन नंबर ए राइट अगर विटामिन पूछेगा दोस्तों तो विटामिन के की जरूरत आपकी बॉडी में पड़ेगी इसके लिए क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है मानव मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों हल्का पीला जो रंग होता है दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी जराइट कमेंट करके बताइए जो मान्य यूरिन है उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है बहुत ईजी है बताइए कमेंट करके क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं मनुष्य वृक में बनने वाली जो पथरी होती है वो क्या होती है तो जो किडनी के अंदर जो पथरी बनता है वो क्या होता है दोस्तों तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए इज राइट बाईसवां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे क्या है दोस्तों विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम सबका वैसे आपको केमिकल नेम याद रखना चाहिए जी हाँ दोस्तों ये है आपका नियासीन बोलते हैं वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त तो रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों इसमें स्पेशली इस उसमें लाल हरा नीला का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी जितने भी रंगीन टेलीविजन होते हैं क्वेश्चन देखिए सैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है सैवाल इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी ऑप्शन नंबर डी इज राइट पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे शरीर में वसा का संश्लेषण कहां से होता है तो शरीर में दोस्तों वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइक्रोकांड्रिया ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे गुर्दे में रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है जो रीनल पथरी नामक रोग होता है दोस्तों ये चाय के ज्यादा जो कि सेवन की वजह से होता है एज राइट सत्ताईसवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है तो जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी एक मछली है तो आपका सेलमोन ऑप्शन नंबर डी एक मछली है कि मछली नहीं है ठीक है तो ऐसे जेलीफिश वेल ये सारे क्या हैं आपको बताना है अगर ये मछली नहीं है तो ठीक है अट्ठाईसों क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं होती हैं किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती है दोस्तों ये है युगलीना ऑप्शन नंबर सी इज राइट उन क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा कोशिकांग है ये दोस्तों ये है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है एंड द लास्ट वन तीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है तो यू आर राइट विटामिन की बात कर रहा है दोस्तों यहां पे, तो राइबोफ्लेमिन यहां पे एक विटामिन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन थाउजेंड मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रेडी किया है ई e बुक के माध्यम से आप ये ई e बुक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें एक हज़ार अति संभावित प्रश्नों को लिया गया है जो अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो लेके रिवीजन स्टार्ट कीजिए फटाफट और सारे प्रश्नों के डिटेल दिए गए हैं जिससे कि आप उस क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी इसके साथ साथ दोस्तों जो जीके का ई बुक है इसको तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ले लिया है जिन्होंने भी नहीं लिया है ले लीजिएगा लगभग पंद्रह हज़ार के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं जिसमें जीके के मैंने सत्तर ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं दोस्तों ऑलमोस्ट सभी तो लेके बस फटाफट आपको रिवीजन स्टार्ट करना है क्योंकि जीके आपका दस नंबर का आ रहा है और सारे के सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे और जीके एवर ग्रीन है सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप किसी भी परीक्षा के लिए ले सकते हैं सभी में आपका ही आता ही है तो आपको आगे दूसरा कोई एग्जाम होगा तो उसमें भी हेल्प करेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है मतलब उसको निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है तो दोस्तों उसको किसका औतल लेंस का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए लेकिन निकट अगर लिखा हुआ है तो मतलब निकट दोष नहीं है वो एक्चुअली उसको निकट का साफ दिखाई देगा अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का स्पष्ट दिखाई देगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें इन सभी ऑप्शनों में से यूरेनियम के आइसोटोप के लिए स्पेशली सही आंसर दोस्तों हो जाएगा स्पेशली परमाणु रिएक्टर ईधन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट सही हो जाएगा इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए निम्न धातु में से कौन सी आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है तो कौन है भाई इन सभी ऑप्शनों में से जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से ये है आपका टीन ऑप्शन नंबर सी इज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम लोग क्या कहते हैं जिसका प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस हो सबसे ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी हाँ दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर ऑप्शन नंबर ए इज राइट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं रेलवे सिग्नल को लाल रंग का प्रयोग किया जाता है रीजन क्या है इसका बहुत ही ईजी रीजन है बताइए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी दोस्तों इसका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत हाई होता है इसका तरंग दैद जो होता है बहुत हाई होता है बहुत दूर से आपको रेड दिख जाता है क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित अम्ल में से ऑक्सीजन नहीं है किसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एच में नहीं है बाकी सारे में है बी इज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपको बताना है एच सी एल का पी एच मान जो कि थोड़ा एंटिक है इस वजह से मैंने पूछा है आपको बताया भी काफी बार तो बताइए कमेंट करके क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है मादा जनन अंग जो पुष्प का होता है वो कौन सा होता है जी हाँ दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं जायांस ए इज राइट मोस्ट इम्पोर्टेंट आठवां क्वेश्चन देखिए पानी के ऊपर पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है जिससे आपको तैरने में आराम होता है तैरते लोग इसी रीजन से हैं दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल ऑप्शन नंबर बी इज राइट ठीक है निम्नलिखित में से उभलिंगी फूल कौन सा है उभय लिंगी फूल खीरा तरबूज पपीता या फिर सरसों ओके सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सरसों इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है सबसे लास्ट में डाइजेशन में ऊर्जा उसमी रासायनिक या फिर विद्युत ऊर्जा दोस्तों देख लेते हैं लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें विद्युत ऊर्जा को लाउड स्पीकर किसमें बदलता है जी दोस्तों लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में बदलता है मैंने आपको बताया था एक आदर्श आइडियल जो ध्वनि साउंड है कितने डी का है बताइए डब्ल्यू द्वारा निर्धारित किया गया है पायरो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर को किसके मापन के लिए यूज किया जाता है जी दोस्तों को यूज किया जाता है उच्च तापमान के मापन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट ठीक है वायुमंडली दाब हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं ना आद्रता ह्यूमिडिटी हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं डेंसिटी हम लोग हाइड्रोमीटर से नापते हैं क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है किसकी जो यूनिट है वो ऊर्जा के यूनिट के बराबर है जी हाँ दोस्तों यहाँ पे कार्य इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगला देखिए दोस्तों एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक डाइल्यूट हाँ क्या लगता है यहाँ पे दोस्तों सांद्र को तनु करने के लिए हमें पानी को पानी में देखिए सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए से वो तनु हो जाएगा पंद्रह क्वेश्चन देखिए दोस्तों दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं जी हाँ है, दोस्तों दंत चिकित्सक जो होते हैं वो मिरर का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करो बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये एक प्रतिक्रिया बटन है मुझे आइडिया लगता है कि क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो मैं लगातार लाता हूँ मेहनत से तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ कहीं पर भी इसको शेयर कीजिए चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बिल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस आपको डेगुलर बेसिस पर मिलेंगे सो तो लोगों क्वेश्चन देखने में मिलेगा किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन स्टील निर्वात या फिर वायु जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में निर्वात में जो कि सबसे अधिक होती है सी इज़ राइट सत्रहवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है विटामिन ए बेरीबेरी रोग दोस्तों विटामिन बी वन ठीक है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन ए से आपका रतौधि होता है विटामिन बी टू से इवन आप ये भी बताइए कि इसका रासायनिक नाम क्या है मैं बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम बता चुका हूँ बताइए क्या है जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की, की कमी की वजह से यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जनन क्षमता में जो कमी होती है दोस्तों विटामिन ई e से होती है ऑप्शन में नहीं था ना पीछे वाले ऑप्शन में गड़बड़ था लिखा हुआ तो विटामिन ई e से सेक्स ग्लैंड में प्रॉब्लम होता है विटामिन के से खून का थक्का नहीं बनता है ए से आंखों संबंधित रोग और डी से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है आपका उन्नीसवा क्वेश्चन देखिए सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जी हाँ दोस्तों ये होता है आपका बैगनी में सी इज राइट बीसवा क्वेश्चन देखिए दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है जी हाँ दोस्तों ये आपके मांसपेशियों में थकावट महसूस कराता है आपको ए लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर लैक्टोबैलिस जो है दूध से दही को कन्वर्ट करता है ठीक है और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को पता करता है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं कम दबाव कम घनत्व कम तापमान कम सियानता जी दोस्तों, से हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कम घनत्व इज द दे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाईस क्वेश्चन देखिए समुद्री धाराएं एक उदाहरण है किसका समुद्री धाराएं जो हैं किसका उदाहरण है एक जी दोस्तों समुद्री धाराएं एक संवहन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इज राइट तीसरा क्वेश्चन देखिए रडार के आविष्कारक जो थे वो कौन थे रडार के आविष्कारक दोस्तों रडार के आविष्कारक थे टेलर तथा यंग ऑप्शन नंबर डी इज राइट चौबीसवा क्वेश्चन देखिए थ्री डी फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है थ्री डी फिल्मों को देखने के लिए जो प्रयुक्त चश्मा होता है उसमें क्या होता है जी दोस्तों उसमें जो होता है उसमें होता है पोलराइट इसका इस्तेमाल किया जाता है थ्री फिल्मों को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु को उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करनी है करती है कौन है आपका लेड है एल्यूमिनियम है जिंक है सिल्वर है जी हाँ दोस्तों ये सिल्वर है ऑप्शन नंबर डी से जाएगा इसका छब्बीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक औतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र है तो कहाँ बनेगा जी हाँ दोस्तों ये बनेगा वक्रता के केंद्र से परे अलग ऑप्शन नंबर सी इज राइट सत्रसवां क्वेश्चन देखिए कौन सा अंग है जहाँ पूर्ण विकसित होता है विकास कौन सा अंग है दोस्तों फुली डेवलप जी हाँ दोस्तों ये है आपका गर्भाशय ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक्चुअली ये पूर्ण नहीं होगा यहाँ पे लिखा होगा भ्रूण होगा यहाँ पे ठीक है भ्रूण जहाँ पे पूरी तरीके से विकसित होता है वो आपका गर्भाशय है अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखने को मिलेगी जानवरों में से कौन सा ट्रिप ट्रिपलो नहीं है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है जो ट्रिप्लो प्लास्टिक नहीं है जी हाँ बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में जेलिफिस ऑप्शन नंबर बी इज राइट उनतीसवां देखिए सामान्य अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है सामान्य अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है जी हाँ दोस्तों ये होती है अम्लीय बी इज राइट एंड द लास्ट वन तीसवां देखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी हाँ दोस्तों जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग जल में विलय करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जाएगा करना चाहते हैं तो मैंने लॉन्च कर दिया है ये आपका 1000 क्वेश्चन का है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए अति संभावित फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लस सभी क्वेश्चंस के डिटेल को भी मैंने अवेलेबल कराया है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सभी प्रश्नों को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है एंड uh, दोस्तों जीके आप कवर करना चाहते हैं तो जीके के सारे टॉपिक का भी ई बुक लॉन्च है बहुत सारे अप्रॉसिमेटली सत्रह हज़ार के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक पी को ले चुके हैं तो आप भी इस ई बुक पी को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसको भी ले लीजिएगा टी सी एस जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो जो टॉपिक पूछे गए उनको एक साथ मर्ज कर दिया दोस्तों बस लेके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और जी है तो आपके सभी परीक्षाओं में आपको ये पूछेगा तो आपको हर एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट करेगा

ऑक्सीन हार्मोन जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी अगर आपके बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा रोग हो जाएगा जो दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं चौदह नवंबर को तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं इसके द्वारा प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है किसके द्वारा जो प्रतिध्वनि होती है जी हाँ इस क्वेश्चन में भी सही आंसर हो जाएगा ये है आपका रिफ्लेक्शन ना ऑप्शन नंबर सी इज राइट

पौधे का उत्पाद नहीं है कौन है दोस्तों जो पौधे का उत्पाद नहीं है सन पटसन जूट या फिर कपास इस क्वेश्चन में आंसर दोस्तों आएगा पे कपास रेसो में से ना रेसो में से कौन से पौधे का उत्पाद नहीं है तो कॉटन है बाकी सन पटसन जूट ये सब रेसो के ही है अगला क्वेश्चन देखिए से कौन सा पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है एथिलीन साइटोकिनिन साइटोनिन एसिड सहीसर दोस्तों क्वेश्चन में जाएगा

और इससे खून रुकता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के से रुकता है और जो घाव जल्दी भर जाता है वो विटामिन सी की वजह से होता है विटामिन के दोस्तों रिकेट्स सूखा रोग होने से बचाता है आगे देखिए दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है <स्थ> कच्चे फलों को पकाने के लिए ये दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी बहुत बार आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट है काफी बार आया हुआ है नवा क्वेश्चन देखते मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा है आईडीबीएल आई डी एल जो कि डब्ल्यू के द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्तों ये है आपका फोर्टी चलिए ठीक है सही है मनुष्य में जो मानक ध्वनि स्तर है वो सिक्स सिक्सटी डेसिबल है लेकिन रिसेंटली डब्ल्यू ने निकाला है कि एक आइडियल जो है वो है फोर्टी फाइव डी बी ना डेसीबल है आपका सुनने के लिए ध्वनि स्तर दस क्वेश्चन से ध्वनि किस ध्वनि में सबसे तेज यात्रा करेगी ध्वनि वायु में जल में निर्वात में या फिर स्टील में किस में करेगी सबसे तेज जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा निर्वात वैक्यूम ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी इज राइट जो सबसे तेज ध्वनि यात्रा करेगी दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे और इस प्रकार की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो लाइक एंड शेयर करके प्रतिक्रिया जरूर दें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कब तक बनी रहती है कितने सेकेंड तक एक सेकेंड जीरो पॉइंट वन जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सेंसर हो जाएगा ये है आपका जीरो पॉइंट वन सेकेंड तक ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है आठ दशमलव सोलह दशमलव छः सेकेंड आठ मिनट सोलह दशमलव छह सेकंड सूर्य का प्रकाश लेता है और दोस्तों ये लेता है आपका वन पॉइंट टू एट सेकेंड ए इज राइट तेरहवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था जी हाँ दोस्तों ये किया गया था नरेंद्र कमानी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट निम्नलिखित में से एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है एक आदर्श ईंधन की विशेषता दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से है उच्च कैलोरी मान ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्या है ये? आपका उच्च कैलोरी मान अगले दोस्तों पौधे की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है केंद्रक जीव द्रव्य कोशिका भित्ती या फिर कोशिका झिल्ली पौधों की कोशिकाओं को दोस्तों सुरक्षा प्रदान जो प्रदान है, करती है वो सेल वॉल करती है सीज राइट सोलहवां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं क्या माइक्रोकांड्रिया राइबोशोम गालजिका या फिर में से सभी जी हाँ दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उपयुक्त में से सभी माइक्रोकांड्रिया राइबोशोम एंड गालजिकाए सत्रवां क्वेश्चन देखिए विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी इन सभी ऑप्शन में से कौन है डॉली टीना मेडेना क्या नाम रखा गया था उसका पहली क्लोन स्तनधारी इसका नाम दोस्तों था डॉली ए इज राइट मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि मैगडे लीना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है यह किस देश से होकर बहती है अर्जेंटीना कोलंबिया ब्राजील या फिर चिली जी हाँ इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए कोलंबिया इज द राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जब एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो इसका विस्थापन होगा हो 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 जीरो होगा क्या होगा क्या लगता है, दोस्तों देख लेते हैं क्या है? में से एक परिवर्तन है कौन कौन एक रासायनिक परिवर्तन है सही आंसर दोस्तों इस में हो जाएगा एक प्लेटिनम तार का गर्म होना एक रासायनिक परिवर्तन है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों तार की रीडिंग दोगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं दबा के लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग जल्दी से जी हे दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आधी रह जाएगी तार की रीडिंग को अगर हम दोगुनी कर दे तो मीटर की रीडिंग के, के हो जाएगी आधी हो जाएगी अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के नाम से भी हम लोग जानते हैं सफेद सोना मरकरी प्लेटिनम निकल सफेद सोना दोस्तों हो जाएगा आपका प्लेटिनम बी इज राइट मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं

जी हाँ दोस्तों सवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं के अध्ययन को लोग साइ, साइकोलॉजी नहीं फाइकोलॉजी बोलते हैं ठीक तो है थोड़ा सा गलत दिखाया अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है सभी ऑप्शन में से कौन सा घोल है जो बिजली का चालक नहीं है जी हाँ दोस्तों सेंसर हो जाएगा ये है ग्लूकोज घोल ना ऑप्शन नंबर बी राइट बाकी सारे के सारे हैं सत्ता सा देखिए दोस्तों निम्नलिखित तो में से किसकी कोई इकाई नहीं है घनत्व दाब सापे घनत्व विस्थापन करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा सापेक्षित घनत्व सी इज राइट right, सापेक्षित घनत्व अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है किसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बायोफ्राइटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट right. उन क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकार्बनिक अम्ल नहीं है कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेमली सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों ये होती है ब्यूटेन ऑप्शन नंबर डी इज राइट क्वेश्चन देखो विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा किया गया था एक लिमिटेड पांच सेकंड का टाइमर है आप चाहे तो कमेंट करते रहिए दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो डार्विन के द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है उसको हम लोग क्या कहते हैं ये क्वेश्चन देखिए आया है एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित किया जाता है उसको हम लोग बोलते, है, बोलते हैं जो कि काश्मीर रेशम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी से जाएगा तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा तना है अदरक सलजम सकरकंद या फिर गाजर स्टेम कौन सा है जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से अदरक जो है एक तना है ए इज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा अदरक का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों तो भारत में सबसे ज्यादा केरला में जो होता है अदरक का उत्पादन होता है चौथा क्वेश्चन देखते फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो कौन सा एसिड का इस्तेमाल दोस्तों फोटोग्राफी में किया जाता है जी हाँ दोस्तों इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से इनमें से ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किया सकते हैं वो क्या ऐसा है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बनाया हुआ ये भी जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से ऊर्जा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है छोटा क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित अम्लो में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं ठीक है हमलो लिखा हुआ है हमलो नहीं होगा अम्लो होगा बेकिंग पाउडर के रूप में जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इज राइट याद रखेंगे टार्ट्रिक अम्ल नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है <coughs> अभी हम जिंदा है आरडीएक्स जी हाँ बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में ये है आपका साइक्लोनाइट ऑप्शन नंबर सी जो कि आरडीएक्स का एक अन्य नाम है आठवां क्वेश्चन देखिए इंडियन गैस का मिश्रण क्या होता है जो हम लोग के घरों में मिश्रण गैसों का गैस हमारे यूज होते हैं उनमें कौन कौन सा मिश्रण होता है दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन नंबर डी इज राइट और इसमें मरकप्टम का प्रयोग करते हैं कि अगर गैस लीक होता है तो उसकी महक से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है निम्नलिखित में से किस में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था किसके द्वारा जी हाँ दोस्तों गोबर गैस प्रणाली का शुरुआत किया था डॉक्टर एस वी देसाई के द्वारा किया गया था सी इज राइट दस क्वेश्चन निम्नलिखित में से उभय धर्मी प्रकृति जो होती है वो किसकी होती है एन टू ओ एस ओ टू जिंक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी इज इस राइट इसकी उभयधर्मी प्रकृति होती है दोस्तों साइंस जो कि ई e बुक मैंने लॉन्च किया है बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था बस बोले तो इंग्लिश में भी ले आइए तो अगर आप हिंदी में वन था वन थाउजेंड दोस्तों क्वेश्चन है जो कवर करना चाहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है संभावित अति संभावित आपके ग्रुप डी के लिए तो बिल्कुल इसको ले लीजिए और इस सभी प्रश्नों के डिटेल दिए मतलब वन थाउजेंड क्वेश्चन है तो वन थाउजेंड डिटेल भी दिए कि आपको याद करने में अच्छा लगे तो ये ई बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग फटाफट ले लीजिएगा एंड जीके भी कवर कर लीजिए सत्तर टॉपिक हैं दोस्तों सभी के सभी टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और सारे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए तो इन दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एकदम पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए इससे बाहर आपको कुछ भी जाने वाला नहीं है आगे देखिए क्वेश्चन देखिए टेस्टेस तो कौन सा हारमोन श्रावित होता है टेस्टेस से कौन सा कहाँ से तरीके से जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेस्टोस्ट्रेन श्रावित होता है डी इज राइट right. बारहवा क्वेश्चन दोस्तों ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन है किसका पेट्रोल सुगंधित तेलों का केरोसिन खाद्य तेलों का दोस्तों जी हाँ ये है आपका पेट्रोल का ए इज राइट पेट्रोल तेरहवा क्वेश्चन देखिए अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं कैसे उभयधर्मी उदासीन क्षारीय या फिर अम्लीय जी हाँ दोस्तों ये होते हैं अम्लीय अधातु जो होते हैं होते हैं अम्लीय डी इज राइट क्स्ट देख कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से तो ये देखिए तांबा और टीम से ए इज राइट ठीक है आया है बहुत बार पानी का शुद्धतम रूप दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है नल का पानी समुद्र का पानी वर्षा का जल या फिर नदी का जल पानी का शुद्धतम रूप दोस्तों होता है आपका वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है बाकी जितने भी अच्छे पानी है सब अस्सी जो कि ग्लेशियर के रूप में जमे हुए हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों पानी भारी पानी का अड़ुभार जो होता है वो कितना होता है डी टी ओ डिटोरियम ऑक्साइड जी हाँ दोस्तों डी टू ओ का होता है ट्वेंटी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बी याद रखेंगे दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए और लगातार दोस्तों चैनल पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह लगातार मिलते रहे सत्रह क्वेश्चन जल में आसानी से घुलनशील इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है जो बहुत आसानी से घुलनशील है जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से अमोनिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट अठारह क्वेश्चन से जो एक स्ट्रेंजर गैस भी कहलाती है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं विचित्र गैस कहते हैं कौन सी गैस है जी हाँ दोस्तों ये है आपका जिनॉन इसको हम लोग क्या बोलते हैं विचित्र गैस अगला देखिए फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफिक के प्लेट पर जी हाँ दोस्तों इसमें सिल्वर ब्रोमाइड को चढ़ाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट सिल्वर ब्रोमाइड अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है कौन है जो फलों के पकाने में बढ़ावा देता है दोस्तों इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे पे क्वेश्चन देखते हैं मैथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है धान के खेत मूंगफली का खेत दोस्तों धान के खेत से देखिए निकलता है मीथेन गैस ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट ऐसा क्वेश्चन की छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किस अवघटन से प्राप्त होती है तो सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये हो जाएगा मीथेन कार्बन ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन देखिए कीटो के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है कीटो के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं बी इज राइट एंटोमोलॉजी देखिए सहतुत का फल क्या कहलाता है हतूत का फल क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं दोस्तों right. दोस्तों सोरोसिस डी इज राइट देखिए शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है आर्थोप्लास्टी सर्जरी के समय जी हाँ दोस्तों ये होता है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बी इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन देखिए फंक के निम्नलिखित फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था इन सभी ऑप्शन में से फंक ने किसका आविष्कार किया था जी हाँ दोस्तों फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी इज राइट भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसके विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट जी हाँ दोस्तों सेंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में फैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अठारह सौ से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है दोस्तों मिर्च में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में ए इज राइट उनतीसवा देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से विटामिन के कौन से शरीर में भंडारित नहीं होता है यूरिन के रास्ते वो पास हो जाता है भंडारित नहीं होता है कौन सा है वो जी हाँ दोस्तों वो है विटामिन सी ही खाना पकाते वक्त सबसे पहले ख़त्म हो जाता है और दोस्तों ये घाव के भरने में भी काम आता है पोलियो की के टीके खोज किसके द्वारा किया गया था काफ़ी बार क्वेश्चन आया है जी हाँ दोस्तों पोलियो के टीके की खोज जो की थी वो की थी जान साल के द्वारा किया गया था डी इज राइट कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो इन सभी ऑप्शनों में से किसने हैं दोस्तों इतनी भी एनवायरनमेंट की जो घटनाएं होती हैं बादल चमकना बिजली का गड़ बादल का बरसना बिजली बिजली का चमकना सब इसी में होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों होती है आठ किलोमीटर अगर आपसे पूछा दोस्तों की वायुयान जो है किस में उड़ते हैं तो दोस्तों तो कमेंट करके बताइए बहुत ईजी है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है ये पैथोजीन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न जी हाँ दोस्तों ये एक है राइनो वायरस क्योंकि देखिए वायरस है एक तरीके से जुखाम में एक, एक लोग के दूसरे लोगों में फैल जाता है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है जहां से आपको एकदम सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है जी हाँ दोस्तों ये है आपका 25 सेंटीमीटर होता है ऑप्शन नंबर एज राइट अच्छा कमेंट करके बताइए अगर आपको दूर की जो चीजें हैं बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो आपकी आंख में कौन सी चीज का दोष है चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है वो किसका बना होता है अति महत्वपूर्ण बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका होता है जी हाँ दोस्तों वो होता है टंगस्टन का क्योंकि टंगस्टन का जो गल्लांग पॉइंट वो सबसे ज्यादा होता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि रीजन क्या है प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है जी हाँ दोस्तों जस्ट बिकॉज ऑफ वह छोटे छोटे से बना होता है मतलब यही होगा यहाँ पे जो छोटे हुए छोटे छोटे कड़ो से होके जाता है हमको वही दिखता है इस वजह तो से तो एक कटा हुआ हीरा जगमगा छठ के साथ चमकता है इसके पीछे रीजन क्या है अगर एक हीरा जो है कटा हुआ है तो बहुत ज्यादा तेज जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में सेंस हो तो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना ऐसा होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट सातवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी तक तो ही काम करते हैं मतलब एक निश्चित दूरी पर ही आपको नेटवर्क मिलता है आपको आ, केबल डिस्क मिलता है रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे दोस्तों बिल्कुल सही पृथ्वी के सतह का वखरा कारण ना देखिए हमारे पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है तो अगर आप यहाँ डीलर लगाएंगे तो यहीं तक काम करेगा यहाँ के लिए फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा तो कुछ इसी प्रकार से ये काम करता है आठवा क्वेश्चन देखिए प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे प्रकाश का जो रंग तीव्रता से वेग से आयाम से या फिर तरंग से। दोस्तों प्रकाश की प्रकृति होती है कैसी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए तरंग और उच्चतम ऊर्जा होती है लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते परीक्षा में तो किस प्रकाश में दोस्तों उच्चतम ऊर्जा होती है जी हाँ सही आंसर हो जाएगा यह है आपका नीला प्रकाश ऑप्शन नंबर डी तो साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का दोस्तों मैंने ई बुक कवर किया है आप इस ई e बुक को ले सकते हैं जो बहुत मेहनत से बनाएगा दोस्तों इस ई बुक पी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूँगा अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो फटाफट लेके इसका रिविजन कर दीजिए और सभी प्रश्नों के डिटेल भी आपको दिए गए जिससे कि आपको याद करने में आसान होगा और दोस्तों ये आपका हिंदी में है तो पूरे एक हज़ार प्रश्नों को एकदम रट डालिए जो बार बार आपके परीक्षा में रिपीट किया गया है बाकी जीके है तो जीके का आप लोग ले लीजिएगा जिसमें सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों सेवेंटी टॉपिक मैंने जीके कवर किए हैं इन सभी टॉपिक दोस्तों आपको कवर करके जाना है इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में आएगा नहीं और

बारहवा क्वेश्चन देखते अपने कच्छ में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है वह ऐसा निम्न किस कारण की वजह से करता है अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी से चंद्रमा है चक्कर लगाता है जी हाँ दोस्तों यह अभिकेंद्रीय बल की वजह से होता है ऑप्शन नंबर सी अपने कच्छ पे ठीक है ये देखिए याद रखेगा है। बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य ट्यूबलाइट में दोस्तों जी हाँ सामान्य ट्यूबलाइट में इन सभी ऑप्शन में से आर्गन के साथ मरकरी डी इज राइट अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ दोस्तों कौन सा हो जाएगा तो सिलिकन ऑप्शन नंबर सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंद्रह क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सेंसर हो जाएगा दोस्तों ये एडवर्ड टेलर के द्वारा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एकदम तबाही मचा के बहुत सारे लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ एंड चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें एक आइडिया लगता है दोस्तों की तेने लोग क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए आगे देखते दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है अति महत्वपूर्ण आया है ये भी काफी बार

हेमेटाइट डी इज राइट हेमेटाइट टाइट उन्नीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है जी हाँ दोस्तों सेंसर हो जाएगा ये आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में ही होता है बीसवा क्वेश्चन देखते जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना होता है तो जर्मन सिल्वर में चांदी का बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं होता है शून्य होता है परसेंटेज ऑप्शन नंबर डी इज राइट इक्कीसवा क्वेश्चन देखते निम्लिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है सर्वाधिक योगिक हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जी हाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी आपका कार्बन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए बाईसवां क्वेश्चन दोस्तों पेंसिल का लेड जो है तो किसका बना होता है पेंसिल का लेड जो होता है वो किसका बना होता है जी हाँ दोस्तों पेंसिल का जो लेड होता है वो बना होता है किसके ग्रेफाइट से बना होता है ए इज राइट तेईसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी गैस दोस्तों नोवेल गैस कहलाती है जी हाँ सही आंसर हो जाएगा ये है आपका हीलियम इज द राइट आंसर आंसर नंबर बी और ब्रह्मांड की सबसे हल्की दोस्तों गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन चौबीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम है माना जाता है मतलब मूल रासायनिक माना जाता है तेजाब कौन सा है जी हाँ दोस्तों ये है आपका एच टू एस सो फोर सल्फ्यूरिक अमला आपका पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं आयरन की सर्वाधिक मात्रा इन सभी ऑप्शन में से किससे पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में इन सभी ऑप्शन में से आयरन वैसे तो हरे जो कि सब्जियों में सेव में ऑप्शन नंबर ए इन सभी ऑप्शन में से तो सेव की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में में से किस में से किस एक के कारण होती है जो सेव का सुगंध होता है वो मुख्यतः किसकी वजह से होता है तो सेव का जो सुगंध होता है वो मौलिक अम्ल की वजह से होता है सी इज राइट सत्ताईसवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थित कारण आते हैं ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है तो प्रकार जो कि प्याज और लहसुन में गंध जो है किसकी के कारण दोस्तों ये, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आता है, का है कहा गोन, गोन नामक जो हार्मोन का श्रवण दोस्तों कहां से होता है तो अल्फा कोशिकाओं से राइट उनतीसवा क्वेश्चन देखिए भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है जी हाँ दोस्तों बताना है आपको तो भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 7.2 पॉइंट टू परसेंट डीज राइट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों दो वस्तुओं के तापमान में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है तो अंतर पैमाने पे कितना होगा 25 डिग्री का अगर अंतर है तो फार्नेट पैमाने पर पे दोस्तों ये आपका परिवर्तित हो जाएगा फोर्टी डिग्री ऑप्शन नंबर बी किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है दोस्तों इस question जाएगा. Option number B, की के कारण संभव हो पाता है ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो स्टोर होता है ड्राई सेल में वो किस जो कि रूप में होती है जी हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्योंकि आपके बैटरी में देखने के लिए मिलती है ये केमिकल एनर्जी के रूप में होती है

रोशनी के बल में आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो गलनांक किसका होता है तो दोस्तों होता है टंगस्टन का तो टंगस्टन का आप लोग कमेंट करके बताना है कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताना है कि टंगस्टन जो है इसका गलनांक जो है कितना होता है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है किसमें इस्तेमाल किया जाता है निकेल कैडमियम बैटरी का ट्रांजिस्टर में कैलकुलेटर में कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं फिर इन सभी में दोस्तों इस इस क्वेश्चन का सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द सभी में कैलकुलेटर ट्रांजिस्टर कार्डलेस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसमें कैड जो कि कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है छठों क्वेश्चन देखिए एक मकान में दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे बल्ब से अधिक चमकदार है इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक लगा हुआ है आपको बताना है इजी है थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना है कि क्या होगा जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंद जो रोशनी जो कम रोशनी देता है उस जो को उसका उच्चतम अवरोधक है ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर का भार जो होता है वो कहां पर होता है मतलब कौन सी जगह पे कम होता है कौन सी जगह ज्यादा होता है आपको जो कि सारे ऑप्शन को रीड करके आंसर करना है जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है यहाँ पे जी दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवों पर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है अगर आपसे पूछेगा दोस्तों की ग्रुवोकर्षण का मान सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो ग्रुतोक का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जो ग्रेविटी होती है उसका जो मान होता है वो नगर शून्य होता है आठवा क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो ध्वनि का वेग होता है इसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जो होता है वो अधिक होता है डी इज राइट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन की आ, आयोडीन खांसी सिरप और जो कि टॉनिक तैयार के लिए किया जाता है इन सभी ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है एथेनॉल एसिटिक एसिड एथेनोइक या फिर एसिड मिथाइल सही तो एथेनॉल इज द राइट right आंसर ऑप्शन नंबर ए दसवां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है तो कौन सी वह धातु है लोहा है एल्यूमिनियम है जस्ता है या फिर पोटेशियम है जी दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम ऑप्शन नंबर डी इज राइट जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है ग्यारह क्वेश्चन कौन सा उर्धपातन कर सकता है इन सभी ऑप्शन में से आयोडीन क्लोराइड है अमोनियम क्लोराइड है अमोनियम क्लोरेट सल्फेट क्या लगता है जी दोस्तों ये है आपका अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए इज राइट right. बारहवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है तो जो आपको बताना है रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हेल्प करता है न्यूट्रीशियन के लिए मदर्स ब्लड के लिए दोस्तों ये है आपका गर्भ नाल इसी से कनेक्शन होता है और सारे पोषण जो होते हैं इसी के माध्यम से बच्चों को मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को पता है कि साइंस जो है दोस्तों आपके परीक्षा में जो 25 नंबर के पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस का वन जो क्वेश्चन है इसका मैंने ई बुक कवर किया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है आप इसको लेके फटाफट रिविजन कीजिए सारा कुछ कवर कीजिए और दोस्तों आप इन सभी एक प्रश्नों के डिटेल को भी मैंने कवर किया है और ये पीडीएफ जो है ई जो है हिंदी में है तो प्लीज इंग्लिश वाले न ले बाकी लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन था इसके लिए तो आप लोग फटाफट फड़ ले लीजिए और जी को कवर कर लीजिए जी, जी का देखिए मैंने सत्तर ज्यादा टॉपिक कवर किया है इन सभी को भी आप लेके कवर करिए क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक में है जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है उसको ले लीजिएगा अप्रॉक्सिमेटली अठारह हजार ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं जो कि अब तक का सबसे बेस्ट ई बुक है और ये भी हिंदी में ही है तो प्लीज हिंदी में है तो लीजिएगा इसको ठीक है दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जरूर से ले लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब कोई जहाज नदी के सागर में उतरता है तो क्या होता है तो जब कोई जहाज है नदी के सागर में उतरता है तो क्या होता है जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह ऊपर की ओर थोड़ा सा उड़ जाता है ऐसा रीजन क्या है क्यों होता है मैं अपने बहुत सारे क्लासेस में आपको बता चुका हूं बताइए कमेंट करके चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है सेकंड में वैसे अगर आपको बताऊं तो आठ दशमलव सोलह आठ मिनट सोलह दशमलव छह सेकंड में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वैसे पांच सौ सेकंड का दोस्तों समय लगता है एंड वन पॉइंट टू एट सेकंड में दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है पंद्रह क्वेश्चन जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है मतलब समुद्री जीव है मुक्त रूप से उसको हम लोग क्या बोलते हैं इजी वन क्वेश्चन ये भी आया है बहुत बार जी हाँ दोस्तों ये है इसको हम लोग बोलते हैं एकनो ऑप्शन नंबर डी राइट दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है लेकिन बाकी सारे लोग जो नहीं करते हैं बिल्कुल कर दिया करिए लगातार मोटिवेशन अप्रप्रिसिएशन आपका प्यार होता है और प्रतिक्रिया बटन बनाया गया है इसीलिए कि आप उसको दबा दें एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें से उनको भी हेल्प मिले चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे सोलह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है यह कॉन्ट्रोवर्सियल है लेकिन सही है इस क्वेश्चन का आंसर तो बताइए जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है वो कौन है जी हाँ दोस्तों ये कर सकता है स्नेल कर सकता है ऑप्शन नंबर

क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से पौधे को नर जनन अंग होता है, Libhajwe, पौधा है जिसको नर जनन अंग होता है, हाँ, हो है right जी जी इन इन क्या है।, <that> है एक बहु कोशिकी जीव जो है दोस्तों वो कौन सा है जी हाँ इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए ये है आपका एगेरिकस डी इज राइट इक्कीसवा क्वेश्चन देखिए जिस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है वो कौन है बाइनरी विखंडन बहु अलैंगिक प्रजनन या फिर लैंगिक प्रजनन क्या लगता है हाँ एकमात्र कौन सी है द्रव में बदल जाती है अधातु है और कमरे के तापमान में दोस्तों द्रव बदल जाती है तो राइट यह आपका ब्रोमीन बी इज राइट ब्रोमीन अगला क्वेश्चन दोस्तों एक हाइड्रोजन एटम में कितने नए न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम है और नए न्यूट्रॉन की बात हो रही है तो एक दो तीन या फिर जीरो जी हाँ बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में शून्य होते हैं न्यू क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी उसमें होते हैं न्यूक्लियस में कौन सा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है बहुत ईजी है दोस्तों कमेंट करके बताइए वैसे आप लोग को बताना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की बहुत ईजी है जी हाँ दोस्तों इसमें देखिए प्रोटानों की संख्या जो उसके परमाणु क्रमांक को दर्शाता है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसके उसके प्रभाव क्या होगा क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसका प्रतिरोध हम लोग रिड्यूस कर दें हाँ, सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा वो भी आपका आधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीज राइट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं फास्फोरस में के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन दो चार या फिर पांच कितने होते हैं तो फास्फोरस के एक परमाणु में जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों पांच ऑप्शन नंबर डी इज राइट सत्ताईसवा क्वेश्चन देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है इन सभी ऑप्शन में वॉट इज द पावर यूनिट न्यूटन पास्कल या फिर जून जी दोस्तों शक्ति की इकाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन right. कौन सा घोल इन सभी में से सबसे अमली होता है तो इन सभी घोल दोस्तों पीएच मान क्या होना चाहिए उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों होना जीरो जिसका जी जो कि होता है जीरो HCL, एलिसा टेस्ट किस के परीक्षण के लिए दोस्तों किया जाता है एड्स इम्यूनो इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जी हाँ दोस्तों सेंसर हो जाएगा एड्स जो हम लोग हमेशा बनाते हैं एक दिसंबर को यहाँ पे रतौधि दोस्तों आंखों संबंधी जरूरत विटामिन ए की कमी से होता है हैजा जो है, तो है बैक्टीरिया से फैलता है और तपेदित भी आपका बैक्टीरिया जनित रोग है अगला देखिए दोस्तों कहने कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल है ना तो आप लोग को इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है कि प्राथमिक रंग किन सभी ऑप्शन में से कौन है तो बहुत ईजी लेकिन कमेंट करके सभी लोग बताएंगे दोस्तों ये वाली क्लास आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि लगातार आपको सेशन ये मिल रहे हैं

तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व तो के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजक से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो ये भी क्वेश्चन इजी है लेकिन आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वेलियन बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं यौगिक बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व तो के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर से संयोजक से, से बना होता है उसको क्या बोलते हैं यौगिक चौथा क्वेश्चन दोस्तों यह है पनीर बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जी हाँ जिसकी वजह से पनीर या फिर कह लीजिए हाँ इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें देखिए पेनिसिलियम कोमोबाट्री और पेनिसिलियम आपके रोकाफोट्री इन दोनों सूच में जीवों का प्रयोग करके पनीर को बनाया जाता है जैसे कि हमको पता है कि दूध में भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से दूध से दही में उसका कन्वर्जन होता है ठीक है तो ये कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी है पांचवा क्वेश्चन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन है दोस्तों क्योंकि ये लोग प्रदूषण में मर जाते हैं मतलब ये जीव होते हैं लेकिन प्रदूषण में इनका इस्तेमाल कर जाता है कि प्रदूषण ज्यादा है कि नहीं लाइकेन अगर ज्यादा प्रदूषण होता है तो लाइकेन मर जाता है तो इससे पता जाता है कि वायु में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण है छठवा क्वेश्चन दोस्तों मिक्स में से कौन सा एक फल का उदाहरण है जो फल है भिंडी आलू अदरक और गाजर क्या लगता है जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका भिंडी एक फल है फल के रूप में इसको काउंट करते हैं ऑप्शन नंबर ए लेडी फिंगर सातवा देखिए असंतृप्त यौगिकों के दहन के समय किस प्रकार की फ्लेम देखी जाती है जो फ्लेम होता है वो कैसा होता है बिल्कुल सही असंतृप्त यौगिकों के तौर तो में येलो फ्लेम दिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी ये फ्लेम कैसा होता है तो ये होता है आपका येल्लो आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंगल जल अलग करते अलग पंगल जल से अलग करती है यहाँ पे ठीक है तो आपको बताना है ये कौन सा मेथड है किस प्रकार से जी हाँ दोस्तों ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों नवा क्वेश्चन देखिए में से वो कौन सा है जो पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है मतलब वो अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए आपको इन सभी ऑप्शन में से बताना है अभिक्रिया की तीव्रता कम हो निकलने वाली उषमा कम हो हाइड्रोजन गैस निकलती हो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया की तीव्रता जो है वो कम हो ऑप्शन नंबर ए राइट दसवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है परा पराग कण में पाए जाते हैं अति महत्वपूर्ण बताना है आपको पराग कड़ जो है दोस्तों किस में पाए जाते हैं जी दोस्तों जो पराग कर है ये पाए जाते हैं पराग कोश में ए इज राइट right, किसमें पराग कोश में अगला क्वेश्चन देखिए विस्थापन की परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहा जाता है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सी इज राइट right. देखिए क्वेश्चन है सर्वाइकल आ, सर्वाइवल ऑफ द ऑफ द फिटेस्ट के ऑप्शन में से कौन है किसके द्वारा लिखा गया है सर्वाइव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इनका नाम है चार्ल्स डार्विन बी इज राइट आप लोगों के लिए साइंस का जो मैंने ई बुक लॉन्च किया है आप इस ई बुक को जरूर ले लीजिए अगर आप ग्रुप डिक्लीवेशन कर रहे हैं सीरियस है तो क्योंकि अति संभावित एक हजार प्रश्नों को मैंने कवर किया है इन सभी प्रश्नों को एकदम रट्टा मार लीजिए और सभी प्रश्नों के डिटेल को भी दिया गया है जिससे कि आपको उसको याद करने में आसानी होगी ई बुक पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड जी जो दस नंबर का आपकी परीक्षा में आ रहा है इसके लिए मैंने सत्तर टॉपिक कवर किए हैं परीक्षा से पहले इन सभी टॉपिक को एकदम रिवाइज कर लीजिए टीसीएस परीक्षा में जितने भी टॉपिक बन रहे हैं उन सभी को एक साथ कवर कर दिया है और इसके साथ साथ जीके एवरग्रीन है सभी परीक्षाओं में जाता है तो आप जी के लिए पढ़ रहे हैं सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं के के लिए के लिए यूपी भी पढ़ रहे हैं तब तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए आप, हर जगह आपको जीके आता है तो क्वेश्चन आपको सारे काम देंगे तो ये दोनों ई बुक जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फटाफट आप ले सकते हैं यहाँ पे अगला देखते हैं किस कोशिका आर्गनेल को, कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक माइक्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा यह है आपका नाभिक ऑप्शन नंबर ए राइट चौदावा क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश जो देता है वो कौन देता है प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आदेश देता है वो कौन देता है जी हाँ दोस्तों ये देता है डीएनए ऑप्शन नंबर बी कौन देता है डीएनए डी एन ए पंद्रवा से मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है क्या स्पेशली मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है दोस्तों ये किया जाता है आपका क्यूनिन का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी मलेरिया किसकी वजह से होता है दोस्तों तो ये आपका मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने वजह से मलेरिया होता है सोलहवा क्वेश्चन देखते हैं सेव में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है बहुत ही ज्यादा ईजी है बता सकते हैं आप लोग तो सेव में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है तो सेव में दोस्तों आपका मौलिक ऑप्शन नंबर ए इज राइट एसिड पाया जाता है यहाँ पे सत्रहवा क्वेश्चन देखिए बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है दोस्तों बीसीजी का जो टीका है किस रोग के रोकथाम के लिए लगाते हैं दोस्तों तो ये तपेदित के लिए लगाते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपका माइक्रो बैक्टीरियम के होता है और भारत सरकार का कहना है कि वो 2025 तक टीबी को पूरे भारत वर्ष से खत्म कर देगी क्वेश्चन देखिए प्रथम बार किसने किसके द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया सबसे पहले इजे बटलर पी एंटेनिया जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों सबसे पहले जो कि पेनिसलिन नोटम से खोजा गया था कब खोजा गया था तो उन्नीस में दोस्तों फपूदी से निकाला गया था अगला देखिए दोस्तों पौधों में बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं जो ये कलर आता है बैगनी ये किसकी किस पिगमेंट की पिक, वजह से होता है जी हाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में देख तो ये हो जाए एंथोसाइनिन ऑप्शन नंबर इज राइट एंथोसाइनिन बीसवा क्वेश्चन देखते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र इन सभी ऑप्शन में से कौन है जो ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है

विस्थापन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है रीजन क्या है बर्फ पर हम लोग सड़कने लगते हैं क्या है रीजन इसका जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होती है कम होती है इस वजह से ऐसा होता है पच्चीसवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों की यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो तो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा दूरी को बढ़ा दिया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका एक चौथाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट छवि क्वेश्चन दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा भार पूछा जा रहा है और वो ऊपर से फेंकी जा रही है तो क्या होना चाहिए जी हाँ उसका भार अपरिवर्तित रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट सत्ताईसवां क्वेश्चन दोस्तों हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया गिराया जाए तो क्या होगा लोहे और लकड़ी समान तो कौन जल्दी गिरेगा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लकड़ी गेंद जो लकड़ी वाली गेंद है वो बाद में गिरेगी अट्ठाइसवा देखिए दोस्तों ठोस कपूर में वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है इसको कपूर को आप गर्म करेंगे सीधे वाष्प में चेंज जाती है तो इस जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं उर्द ऑप्शन नंबर ए इज राइट उन्तीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख निए 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 से किससे जो की करवामाइट के नाम से जानते हैं कार्माइट के नाम से जानते हैं कार्बोनेट को प्रोटीन को यूरिया को फिर ग्लेसरीन को किससे जानते हैं जी हाँ दोस्तों हम लोग यूरिया को जानते हैं इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो ये किया जाता है आपका नाइक्रोम का डी इज राइट नंबर वन दोस्तों प्याज में जो खाद्य वाला भाग होता है वो क्या होता है बहुत इजी है काफी बार क्वेश्चन आया दोस्तों हम लोग क्या खाते हैं प्याज में प्याज तो में में दोस्तों दोस्तों का सबसे ज्यादा उत्पादन नासिक होता है इसमें हम लोग उसके तने को खाते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट दूसरा क्वेश्चन देखिए जो अति महत्वपूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो कि गैस आपका निकलेगा सही सर इसमें देखिए क्लोरीन गैस निकलती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे पीतल निम्नलिखित में से किससे बना एक मिस्रदातु होता है है क्या बताना है आपको पीतल किससे बना एक मिश्र धातु है पीतल का निर्माण दोस्तों कापर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है जो घरों में बर्तनों में इस्तेमाल किए जाते हैं एंड अदर चीजों में डीएनए का एक अखंड कह लीजिए खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जीन है है क्रोमोसोम न्यूक्लियस है

बहुत बार ये भी आया हुआ है दोस्तों तीन चार या फिर दो या फिर पांच सही आंसर दोस्तों आएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए तीन यहाँ पे होती है अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन देखिए डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जी हाँ दोस्तों डेसिबल जो है ध्वनि जी हाँ वातावरण में जो ध्वनि है उसको मापने का काम करता है मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को भी याद रखेगा और अगला क्वेश्चन देखिए बारहवा क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा

क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं है कंप्लीट तो फटाफट दोस्तों इस पर्टिकुलर जो कि ई बुक पीडीएफ को ले लीजिएगा जो कि एक हजार एक प्रश्नों के साथ मैंने इसको बनाया हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बहुत बार रिवाइज किया गया है आपके एग्जामिनेशन में जो कि डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा तो साइंस का ये बुक e जरूर से ले लीजिएगा और दूसरा जो आप लोग बोल रहे थे मैथ का उसका भी कंप्लीट कर दिया मैंने पांच क्वेश्चन का दोस्तों मैंने गेस्ट पेपर बनाया है मैथ का जिसमें सारे सिलेबस को इंक्लूड किए गए हैं जो आपके प्रीवियस बेस परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके लिए ये बुक रहने वाला है ये देखिये बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बिलिंग आज ही मैंने इसको लॉन्च किया है और तकरीबन एक हजार ज्यादा बच्चे इसको ले भी चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था हिंदी में आप इसको ले सकते हैं ठीक है हिंदी वाले लीजिएगा इंग्लिश वाले मत लीजिएगा एंड थर्ड जीके वाला तो दाबड़ तोड़ दोस्तों आप लोग का प्यार इसके मिला क्योंकि जितने भी जीके के टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक को मैंने इस ई बुक में कवर किया है ये तीनों के तीनों ई बिक आपको बहुत ज्यादा जो कि नंबर दिला सकते हैं पच्चीस नंबर का आपका रीजनिंग जो कि तीस नंबर का रीजनिंग आता है पच्चीस नंबर का मैथ आता है पच्चीस नंबर का आपका साइंस आता है और दस नंबर का बीस नंबर का जीके जीएस होता है ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया रीजनिंग बचा है मैं रीजनिंग का भी बहुत जल्द पेपर आपको अवेलेबल करा दूंगा इन सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर से मिल जाएगा ले लीजिएगा और रिविजन स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन अगर एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं टोन कहते हैं नोट कहते हैं टिम्बर कहते हैं फिर पिच कहते हैं क्या कहते हैं एकल आवृत्ति वाले ध्वन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं टोन ऑप्शन नंबर ए राइट टोन क्वेश्चन अगला दोस्तों आपका है कि इस चंद्रमा पर चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग समय कितना लगता है तो 500 सौ सेकेंड लगता है सूर्य वाला आपको यह पता है चंद्रमा का दोस्तों लग जाता है 1.28 का समय ऑप्शन नंबर बी इज राइट पंद्रमा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश का क्वांटम थ्योरी प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों तो प्रकाश का क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा तो यह आइंस्टीन के द्वारा ही किया गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट सोलहवा क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा में मीथेन का दोस्तों जो परसेंटेज होता होता है वो होता है वो सत्रहवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग जो होता है कौन सा होता है मादा है ठीक है नर नहीं है तो पंखुड़ी होगा कि पुंकेसर होगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अंडप को बोलते हैं पे ऑप्शन नंबर सी राइट क्वेश्चन दोस्तों अठार देख लेते हैं यहाँ पे आपको बताना है एक से, जो कि स्पेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मिरर है तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो परावर्त आ, करता है यहाँ पे सही आंसर दोस्तों जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोल ऑप्शन नंबर डी राइट पोल मिरर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो देखिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है तो ये कौन सा हिस्सा है जो सांस को लेने में नियंत्रण करता है जी हाँ दोस्तों यह है आपका मज्जा मेडुला ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट

क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जी हां दोस्तों, जो है आपके पर काम करता है दोस्तों, दोस्तों, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती, कहलाती है जी हाँ दोस्तों ये है आपका लाइसोसोम ऑप्शन नंबर बीज राइट दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है किसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री ना

A is right. सही है कि होगा. प्रोटीन पूछा जा रहा है क्योंकि गलत कमेंट करके बताइएगा अगला क्वेश्चन देखिए परमाणु रिएक्टर के मंदक और प्रतिशत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है प्रशित सॉरी प्रशीतक कार्बन प्रोटीन भारी जल है फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का सैंसर हो जाएगा आपका भारी जल डी टू मोस्ट इंपोर्टेंट ना ड्यूटीरियम ऑक्साइड याद रखेंगे जो रिएक्टर में मंदक का काम करता है अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है वो कौन सा प्रोटीन है दोस्तों जिसके द्वारा रक्त जमता है उसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे ये है देखिए आपका फाइब्रिनोजेन ऑप्शन नंबर बीज राइट फाइब्रिनोजेन और हमारे किस विटामिन कमी की कम, वजह से खून नहीं रुकता है आपका या फिर जमता है किसकी किसकी अधिकता की, किस की वजह से तो विटामिन के आपके बॉडी में है तो आपका खून तुरंत जम जाएगा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों किसकी उपस्थित कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है ये भी क्वेश्चन काफी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी कर, कर रंग होता है तो, right. तो मनुष्य में कालाजार बीमारी किस कारक के द्वारा होता है आपको बताना है ध्यान से लगाइए पूरा देखिए कितना अटेम्प्ट हो रहा है क्योंकि 25 नंबर परीक्षा में आएगा एग्जाम में दोस्तों होता है आपका याद रखेंगे लिसमेनिया

डायबिटीज़ दिवस भी मनाते हैं तो डायबिटीज़ होता है देखिए इंसुलिन के अल्प श्रवण से या फिर कह लीजिए इंसुलिन की बॉडी में कमी की वजह से आपका यही होता है बेरी बेरी दोस्तों जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है एंड रिकेट जो रोग होता है सूखा रोग ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं और इस क्वेश्चन में मुझे लिटिल बिट कन्फ्यूजन है शायद ये बाईस होता है मनुष्य की खोपड़ी में लेकिन यहाँ पे उनतीस लिखा हुआ है वैसे क्या होता है आप लोग एक बार कन्फर्म कीजिए उनतीस फिलहाल कसौर की डंड तुम्हें देखिए होता है तैतीस सही है इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ट्वेंटी टू थोड़ा सा डाउट है एक बार आप लोग इसको देखिए क्लियर कीजिए बाकी मैं बताऊँ कसौर की दंड में तैतीस होते हैं हमारे फेस में चौदह होते हैं हमारे कलाई से लेके हाथों में सत्ताइस होते हैं और पूरे हाथों में तीस होते हैं हमारे पैरों में भी तीस होते हैं ठीक है तो इसका मैं इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे हिसाब से बाईस मुझे याद था लेकिन यहाँ पे उनतीस लिखा हुआ है चलिए चौथा क्वेश्चन तो देख लेते हैं एक यूनिट में कितना लीटर रक्त होता है बहुत इजी है अक्सर आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं करना भी चाहिए तो एक यूनिट अगर आप रख देते हैं तो आप कितना रख देते हैं दोस्तों एक यूनिट जो आप रख देते हैं वो आप 450 मिलीलीटर रक्त देते हैं बी इज राइट एंड दोस्तों रक्त में जो है ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में ट्रेवल करता है रक्त के माध्यम से कौन क्वेश्चन बहुत बार आएगा दोस्तों ये है आपका हीमोग्लोबिन और इसी वजह से दोस्तों रक्त का जो लाल कलर होता है खून का लाल कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है इसी के अंदर दोस्तों आपका जो तत्व पाया जाता है आयरन पांचवा क्वेश्चन दोस्तों लिख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण टीएनटी के विस्फोट का कारण बनता है कौन होता है जो टी में विस्फोट का कारण होता है क्या लगता है सल्फर नाइट्रेट क्लोराइड जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट इस दो ऑप्शन सेम ही हो गए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट अमोनियम नाइट्रेट छठवा क्वेश्चन देख लेते हैं मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस में माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है चलिए अच्छा क्वेश्चन है सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है ध्यान से देखिए पूरा क्या लगता है दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये लाल रक्त कोशिकाएं ऑप्शन नंबर ए इज राइट ठीक है तो रेड ब्लड सेल जो होती है यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए आपका आ जाएगा कि आर का जीवन काल कितना होता है तो आर ज्यादा दिन तक जीवित होते हैं लाइक एट्टी टू वन ट्वेंटी डेज तक जीवित रहते हैं एंड जो जीवन काल होता है और श्वेत रक्त रक्त रक्तिकायतिकाएं रक्तिकाय जो होती हैं मात्र चार दिन का होते हैं लेकिन हमारे शरीर में जो और प्रतिरक्षित तंत्र को मजबूत बनाते हैं वो डब्ल्यू ही होते हैं सादा क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे मृदा उर्वक का बैरोमीटर कहते हैं इससे हमको बदल जाएगी मृदा हमारी बहुत उर्वरक वाली है कौन है दोस्तों दोस्तों ये है, जो है आपका ऑप्शन right, की पहचान करे विलयन तो क्या लगता है सही आंसर दोस्तों यहाँ पे सोडा जल ऑप्शन नंबर सी इज राइट एन दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है क्या लगता है घरों में इस्तेमाल तो आप लोगों के लिए जो मैंने बुक लाया है जी हाँ अप्रॉक्सीमेटली तेरह हजार के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो सारा कुछ खगोली एकक क्या होता है दोस्तों आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है ऑप्शन नंबर दोस्तों आप बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है आप लोग को दिल से धन्यवाद अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है तो जरूर से इस बटन को दबा दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक शेयर तो कीजिए कोई भी ग्रुप है आप जरूर भेजिए एंड चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा जिससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिले अठारह क्वेश्चन दोस्तों के लिए कौन सी एक गैसी ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं गैसी ग्रह मार्स है वीनस है बुद्ध है या फिर सेटन है सही आंसर दोस्तों जाएगा आपका सनी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं गैसी ग्रह इसके पास सबसे ज्यादा बयासी उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों उसका टाइटन है और सूर्य की परिक्रमा करने में उन्तीस साल इसको लग जाते हैं छलो वाला ग्रह और काला ग्रह भी कहते हैं एक चाबी वाले खिलौने में ऊर्जा जो होती है किस रूप में संग्रहित होती है जो चाबी वाला खिलौना होता है जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उसमें देखिए जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है एज राइट यांत्रिक बीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है मुर्गी का जो अंडा है तो किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है जी हाँ दोस्तों सही हो जाएगा ये एक एकल कोशिका सिंगल सेल का उदाहरण है याद रखेंगे इक्कीसवा क्वेश्चन देखिए रक्त कोशिकाएं होती हैं कैसी रक्त कोशिकाएं जो होती हैं बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये एक गोलाकार होती है ना राउंड शेप में होती है रक्त कोशिकाएं बाईस क्वेश्चन देखिए मुर्गे के अंडे के अंदर पीले भाग को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं मुर्गे के अक्सर जिम वाले नहीं खाते हैं उसको हम बस व्हाइट वाला खाते हैं उसको देखिए बोलते हैं यॉक बोलते हैं

दोस्तों ये होता है हार्ट अटैक ऑप्शन नंबर ए इज राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बेहद क्षेत्र में फैलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं जस्ट लाइक कोरोना तो कोरोना क्या है जी हाँ दोस्तों वुहान शहर से निकला है ये एक पैंडेमिक हो जाता है ना अगर पूरे देश में फैलने लगता है तो क्या होता है ये पेंडेमिक हो जाता है छब्बीस क्वेश्चन देखते हैं किस तत्व तो की कमी से घेंघा रोग होता है तो आपको बताना है किस तत्व की कमी की वजह से होता है घेंगा रोग दोस्तों ये है आपका आयोडीन आयोडीन कमी से आपको हो जाता है घेंगा रोग सत्ताईस क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं शरीर में डब्ल्यू की संख्या से अत्यधिक बढ़ने से कौन रोग होता है अगर डब्लू की संख्या बढ़ने लगी तभी भी आपको रोग हो सकता है क्या जी हाँ दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा ल्यूकेमिया और डब्लू ही दोस्तों आपका प्रतिरक्षित तंत्र है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है जिसका जीवन काल कितना होता है मात्र चार दिन का होता है अट्ठाइसवा क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी से खोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या खोला जाता है भाई जी हाँ दोस्तों खोला जाता है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए राइट उन्तीसों क्वेश्चन देख लेते हैं रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरे एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थित था स्थित था प्राप्त कर लेता है स्थिरता होगा यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा हुआ है हिंदी में स्थिरता प्राप्त कर लेता है किस में आता है दोस्तों जी हाँ दोस्तों एक दुबली जो कि डुप्लेट या फिर ऑक्टेक इस रूप अवस्था में आता है तो स्थिरता प्राप्त कर लेता है एक्चुअली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर सीओ टू उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है ठीक है इसको हम लोग किस प्रकार का रिएक्शन कहते हैं जी हाँ दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं आप... दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कमीशन रिएक्शन जो कि आपका ऑक्सीजन के में कार्बन को जलाने में सीए टू से जो उत्पन्न होती है वो यही होती है देखिए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न डिलीवर कर रहा हूं लाइक जरूर करना टॉप सेवेंटी टॉपिक का ई टौप बुक लॉन्च किया है अगर आपने इसे नहीं लिया है तो ले लीजिए सब सभी टॉपिक जो आपके जीके में बनने वाले उनको मैंने इसमें कवर किया है और यह सभी परीक्षाओं में आता है तो सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट है प्लस मैंने साइंस का भी ई बुक लॉन्च कर दिया जिसमें एक अति संभावित साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये ई बुक हिंदी में है पहली बात कोई इंग्लिश वाला ना ले ले इसको ये ई बुक प्लस सभी प्रश्नों के डिटेल भी उसी के नीचे आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको जरूर से ले लीजिएगा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन uh, नंबर पहला दोस्तों है कि मछली के हृदय कच्छ जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं मछली के हृदय में दोस्तों मछली का हृदय पूछा जाएगा तो इसमें टोटल होते हैं दोस्तों दो ऑप्शन नंबर सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में जो कि सीलियक रोग हो जाता है तो सभी क्वेश्चन में एक लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको सिलियक रोग कह रहा है तो बी ए बी सी डी सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में जाएगा विटामिन डी इज राइट ठीक है विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है विटामिन बी से आपको बेरी बेरी होता है विटामिन ए से आपको आंखों संबंधित होता है और विटामिन डी से रिकेट सूखा रोग और सीलियक रोग होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सूर्य के धब्बों का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में तो सूर्य के धब्बों का आप कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस को अब पूरा लगाइए दोस्तों देखिए कितना आ रहा है सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है दोस्तों सूर्य का मैंने बताया है टोटल होता है उसके कोरोना का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसके इनर लेयर में 15.6 करोड़ किलो सॉरी किलोमीटर बता रहा हूँ करोड़ सेल्सियस डिग्री सेंटियस होता है एक्चुअली सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है फोर्टीन किलोमीटर वही मैं करोड़ किलोमीटर मैं आपको बता रहा था आगे देखिए क्वेश्चन में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा बताइए ब्लैक होल सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा दोस्तों किया गया था जॉन व्हीलर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जितने लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है मैं लगातार क्लासेस ला रहा हूं अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रमा की सतह का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं चंद्रमा के सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों चंद्रमा के सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी पेडोलॉजी बिल्कुल सही दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं औसत मोटाई जो है वो कितने किलोमीटर की है इजी है, आ है, आपके पेपर में काफी बार। सारे है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये है 33 किलोमीटर क्रस्ट का दोस्तों हो जाएगा 33 किलोमीटर आपको बताना दोस्तों की सर्वाधिक मात्रा में जो आपका धातु पाया जाता है क्रस्ट में वो कौन सा है कमेंट बॉक्स में सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है दोनों इक्वल होता है वो ताप कौन सा है चालीस डिग्री सत्तर सौ तो सेंटीग्रेड तथा पैमाना समान पठन करता है दोस्तों आपका माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ए इज राइट right. अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है तो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसके द्वारा किया गया था दोस्तों रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली जो किरण है इसका पहचान सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों किसके द्वारा तो रदर फोर्ट को द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मैडम क्यूरी को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है एक बार फिजिक्स में एक बार केमिस्ट्री में एक इनको मिला है 1903 में एक इनको मिला है 1911 में ये दोनों याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट दसवां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक तरंग है इन सभी ऑप्शन में से जी हां दोस्तों यांत्रिक तरंग पूछा जा रहा है रेडियो तरंगे एक्स किरणें प्रकाश तरंगे यांत्रिक तिरंगे दोस्तों इन सभी साउंड वेव्स जो होते हैं ध्वनि तिरंगे वो आपके यांत्रिक तरंगों में आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है वो कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं जी हाँ इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी संक्रमण को रोकने का, का काम करता है एंड सबसे पहले खाना गर्म करने तक ये सबसे पहले खत्म होता है हमारे बॉडी में टिकता नहीं है यूरिन के रास्ते से निकल जाता है आगे बढ़ते हैं समुद्र समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध करते हैं हम लोग जी हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वास्पन विधि जिसके द्वारा दोस्तों समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है तो किस चीज का प्रयोग करके अक्सर यू में ऐसा करते हैं क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है जी हाँ दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से वर्षा कराया जाता है चौदहवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों टिबिया या फिर फिबूला नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है तो टिबिया या फिर फिबूला नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है कान में खोपड़ी में पैर में या फिर हाथ में तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ये देखिए पैर में पाई जाती है आपको कमेंट करके बताएं दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है और कहाँ पे पाई जाती है बहुत ईजी है लेकिन बताइएगा पंद्रह क्वेश्चन देखिए रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है तो रक्त से संबंधित अध्ययन जो रक्त से संबंधित अध्ययन होता है विज्ञान की कौन सी शाखा है दोस्तों तो दोस्तों याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज राइट सोलहवां क्वेश्चन दोस्तों है गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है ठीक है आपको प्रेशर ऑफ गैसेस गैसों का प्रेशर पता करने के लिए तो जी हाँ इस क्वेश्चन में भी आपका सेंसर हो जाएगा मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट सत्रहवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी आया है प्रश्न बहुत बार दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो की गई थी कैवेंडिस के द्वारा ठीक है इसको आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट अठारहवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है कोलकाता रानीगंज हर हमीरपुर दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं महलों का शहर भी कहते हैं और ये किस नदी के किनारे है तो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है उन्नीसवा क्वेश्चन लिखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं वो तो कौन सा कोशिकांग है जिसे हम लोग एटम बम कहते हैं गालजिकाय केंद्रक लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों ये है आपका लाइसोसोम ऑप्शन नंबर सी जिसे हम लोग एटम बम भी कहते हैं अगला देखिए निम्नलिखित में से आ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं किसके द्वारा जी हाँ दोस्तों ये डायनमो के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि डायनमो के आविष्कारक कौन है बहुत ही महानतम व्यक्तित्व तो है ठीक है एंड जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं दोस्तों तो उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि लगातार मोटिवेशन मेरे लिए यही है और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ये वाली क्लास अब आपको डेली मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था साइंस को फिर से स्टार्ट कीजिए तो साइंस को फिर से स्टार्ट कर दिया और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो उत्तक शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ये किसके द्वारा किया गया था लैंडस्टीनर स्टीनर वीचैंड मार्सोले या फिर मेलपथी दोस्तों ये किया गया था हाँ आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी ब्लीच एंड के द्वारा ये किया गया था अगला क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज की बनी होती है प्रोटीन की लिपिड की कार्बोहाइड्रेट की या फिर ए तथा बी दोनों तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो ए तथा बी दोनों याद रखेंगे प्रोटीन से भी और लिपिड से भी अगला क्वेश्चन है आपका मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मछलियों में टोटल कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है जी हाँ दोस्तों पंद्रह बीस सबसे ज्यादा मतलब सोलह परसेंट पाया जाता है प्रोटीन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों जीवो में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जीवो में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते है? जी हैं जी हाँ दोस्तों जीवो में कुल मिला के बीस प्रकार के विटामिन आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं पिलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में हो जाता है पेलेग्रा नामक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग हमारी बॉडी में विटामिन बी फाइव की कमी से होते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन देखिए भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है पटल से जब आप आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तापमान आपका बढ़ेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट सत्ताईसवां क्वेश्चन देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका के से किस प्रकार से अलग है ठीक है पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो एनिमल्स होते हैं उनके से किस प्रकार से अलग होती है जी हाँ दोस्तों कोशिका भित्ति की वजह से बी इज राइट अट्ठाईसवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है ठीक है तो आपको बताना है ट्रोपोस्पेयर सबसे पहला वाला जो है बीस किलोमीटर अट्ठारह किलोमीटर आठ किलोमीटर या फिर चौदह किलोमीटर जी दोस्तों ये हो जाएगा आपका किलोमीटर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा उन्तीसों क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस प्रकार के बादलों को भेड़ मेघ या फिर ऊन के प्रकार के मेघ को कहा जाता है ऐसे कौन से बादल होते हैं यहां पे तो क्या लगता है दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसको बोलते हैं एल्टो क्विमुलश ए इज राइट इस प्रकार के बादलों को बोलते हैं ठीक है

एच टू ओ मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कि आपका मिक्सचर होता है दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी के लगभग कितने भाग में जल मतलब एच टू ओ मौजूद है जो कि पूरा कवर करके रखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों उर्वकता को बैरोमीटर किस जीव कहा जाता है मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो मिट्टी है वो कितनी उर्वरक है या फिर किस चीज से पता चलता है दोस्तों एक्चुअली ये कछुआ गलत लिखा हुआ है केचुए की के वजह से होगा ऑप्शन नंबर बी इसी से दोस्तों अगर केचुए ज्यादा मात्रा में है मिट्टी में इट इटमीन्स जो मिट्टी की उर्कता है वो काफी अच्छी है

आपके मल में जो दुर्गंध होती है उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ये होता है दोस्तों इसमें जो होता है वो इंडोल और स्केटोल दोनों होते हैं इसी वजह से आपका जो मल होता है वो दुर्गंध युक्त होता है छठा देख लेते हैं यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कड़ की जरूरत होती है दोस्तों यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो बहुत इजी है एक आपका होता है ईट पर नाच ना इसी से हम लोग पता कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन खोज दोस्तों टामजन के द्वारा किया गया है प्रोटान खोज रदरफोर्ड और दोस्तों यहाँ पे नाइट्रो जो न्यूट्रॉन है खोज चैडवी के द्वारा किया गया सातवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण पुरानी किताबों में कागज का रंग भूरा जो होता है वो किसकी वजह से हो जाता है आपने देखा होगा अक्सर जो कलर व्हाइट से चेंज होकर भूरा हो जाता है तो इसमें रीजन क्या है जी हाँ दोस्तों इसका जो मेन रीजन है ये है सेल्युले के ऑक्सीकरण के वजह से होता है ऐसा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आठवां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों यदि दूध में क्रीम को हटाया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो उसका घनत्व तो क्या होगा उसका घनत तो दोस्तों बढ़ जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों टेबल शुगर के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में यह है आपका सुक्रोज जिसको हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं दसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है सेव में पाया जाने वाला अम्ल दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों तो क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सेव में दोस्तों पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है आपका मौलिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं और दोस्तों सेव को हम लोग फास्ट फ्रूट भी कहते हैं ग्यारह क्वेश्चन वह किट जो मनुष्य में बीमारियां फैलाता है उनको क्या कहते हैं ऐसे कीट जो मनुष्य में बीमारियां फैलाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग कहते हैं वैक्टर्स ऑप्शन नंबर बीज राइट बारहवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा दोस्तों स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है तो स्टेटोस्कोप दोस्तों किसके द्वारा किया गया है बहुत इजी है ये सही आंसर दोस्तों जाएगा ये आपका रेने लिनेक के द्वारा किया गया है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन मापने का काम करता है जो कि उसका उसको क्या कहते हैं बहुत इजी है मैं अपने पिछले क्लास में बता चुका हूं आप लोग को एंड अगर आपका साइंस दोस्तों कवर नहीं है साइंस को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो मैंने एक ई बुक बनाया है अप्रोक्सिमेटली पांच हजार ज्यादा स्टूडेंट इस पर ई बुक को ले चुके हैं तो आप भी जरूर से ले लीजिएगा जिसमें वन क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं साइंस जो ग्रुप डी परीक्षा में बार बार पूछे गए जिनकी आने की संभावना 100 है आप इनको लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए सारा एकदम किसी भी तरीके से सारे को रट जाइए क्वेश्चन प्लस सारे के डिटेल भी मैंने मेंशन किए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ई e बुक जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड सेकंड दोस्तों पांच सौ क्वेश्चन स्पेशली फॉर ग्रुप डी के लिए मैथ का गेस्ट पेपर मैंने रेडी किया है तो बहुत बेहतरीन एक तरीके से कह लीजिए सारे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जाना है और सारे का फुल सोल्यूशन दिया गया है तो बहुत मेहनत किया है टीम है इसके ऊपर तो आप लोग एकदम लेके इसका पूरा 500 का 500 क्वेश्चन लगा के ही एग्जामिनेशन में बैठिए आप निश्चित तौर पे सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फटाफट लेके रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था तो वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह नियम दिया था जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ सेफ के द्वारा दोस्तों दिया गया था ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है इन सभी ऑप्शन ऑप्शन में से पढ़िए पहले जी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है केमिकल रिएक्शन है क्वेश्चन देख लेते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन में आपको बताना है कौन उसका एज रिज, ए रिजल्ट में कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों ये होता है आपका युगमजन ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सोलहवां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तर नहीं है तो निलिखित में से आपको बताना है सरल अस्थायी उत्तक जो टिश्यू है नहीं है दोस्तों वो कौन है वो है आपका जाइलम ऑप्शन नंबर ए जाइलम का मेन काम दोस्तों क्या है पेड़ पौधों के जड़ों से खनिज लवण और जल को पूरे पेड़ पौधों तक पहुंचाने का काम करता है अगला दोस्तों तो विभिन्न जैविक जीवन प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें जो आपका प्यार होता है और मेरे लिए मोटिवेशन होता है तो पता चलता है कितने लोग क्लासेस अच्छी लगती है मैं लगातार उनके लिए क्लासेस क्लासेस ला रहा हूं इस वीडियो को 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 शेयर किया करें एंड चैनल चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन रोज मिले किसी दिन मिस ना हो और आप डेली प्रैक्टिस कर पाए दोस्तों इसको देखिए हम लोग बोलते हैं फोटोबायोलॉजी जिसमें जैव जी की जैव जीवन की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायुर्वेट में विघटन कहां पर होता है ये आपको बताना है ऊर्जा उत्पादन सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए कोशिका द्रव्य इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट उन्नीसो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है कार्निया दिया जाता है पुतली आयरिस या फिर रेटिना दोस्तों नेत्र दान में नेत्र का कार्निया दान दिया जाता है ए इज राइट क्या दान दिया जाता है कार्निया ओके okay. अगला देखिए विश्वास नाशपाती खाने में कठोर तथा किरकिराहट का जो अनुभव होता है जो ये आप नाशपाती खाते होंगे तो ये किसकी वजह से होता है बल्कि सेव खाएंगे तो उसमें नहीं होगा लेकिन नाशपाती में आपका होता है दोस्तों ये जो होता है ये स्टोन सेल की वजह से ऐसा होता है कि जब आप नाशपाती खाते हैं तो आपको किरकिराहट महसूस होता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं रीजन आपको बताना है बादल आपका ट्रोपोस्पेयर में जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है दोस्तों ये कम घनत्व की वजह हो से होते हैं लो डेंसिटी की वजह हो से होते हैं बाईस देखिए कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है वट इज द मेन टाइप ऑफ द सेल डिविजन चार तीन दो एक सही सब दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में तीन जो होता है यहाँ पे प्रकार का होता है तेईसवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण घाव का भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है घाव के भरने के लिए आपके बॉडी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों से आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइटोस सेल डिविजन की वजह से ऐसा होता है माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है देखिए दो होता है एक आपका ब्लड क्लॉटिंग खून का थक्का अगर नहीं रुक रहा है आपको चोट लगी है लगातार खून बह रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है और अगर आपका घाव जो है वो जल्दी सूख नहीं रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है अगर ये दोनों होते हैं तो आपका घाव बहुत जल्दी सूख जाता है और खून भी रुक जाता है अगला चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाला किस चीज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रेनिन टेनिन लेक्टोज या फिर लेक्टेस तो दोस्तों चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाला जो यहाँ पे चीज है उसको हम लोग बोलते हैं टेनिन बी इज राइट पच्चीसों क्वेश्चन देखते हैं पुष्पीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उनको हम दोस्तों क्या कहते हैं इनके अध्ययन को विज्ञान की शाखा में दोस्तों इनको बोलते हैं फेरोज जेम्स बोलते हैं ऑप्शन नंबर बीज राइट छब्बीसों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है तो सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होता है वो दो तीन प्रकार से नष्ट होता है मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है एंड खाना गर्म करते समय भी विटामिन सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है अगला देखिए दोस्तों पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व तो इन सभी ऑप्शन में नहीं है मतलब उसको इस चीज की जरूरत नहीं है सोडियम कैल्सियम नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सोडियम इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहां पे न्यूटन मीटर का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर जो है का मात्रक होता है क्या किसका सका दोस्तों न्यूटन मीटर जो है आपका ऊर्जा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बी इज राइट सही है कि नहीं ऊर्जा होगा या फिर कोई और ऑप्शन होगा इसका आंसर मुझे दीजिएगा लिटिल बिट डाउट लेकिन ठीक है बताइएगा वैसे आंसर इसका क्या होगा प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इन सभी ऑप्शन में से कौन सी होती है जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो होती है वो होती है अमीनो अम्ल right. की ऑप्शन नंबर सी राइट एंड द लास्ट वन दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका आत्महत्या की थैली हम लोग किसे कहते हैं क्वेश्चन आया है आरबीसी की, right. की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों कौन सा जो कि यंत्र प्रयोग करते हैं इसका दोस्तों नाम है हीमोसाइटोमीटर इसी से देखिए आरबीसी की संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त मतलब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली वाहिनियां होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं वेन्स सिराएं बोलते हैं जो पूरे बॉडी से हृदय की ओर ब्लड को लेके जाने का काम करती है क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार तीसरा क्वेश्चन देखिए कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या मिला होता है नाइट्रेट बाई कार्बोनेट, सल्फोनेट दोस्तों इन सभी ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फोनेट मिला होता है जो कपड़ा और बर्तन धुलने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल होता है उसमें सल्फोनेट मिला होता है चौथा क्वेश्चन देखिए लोहे का शुद्धतम रूप इन सभी ऑप्शन में से क्या है जी हाँ दोस्तों सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है पिटवा लोहा इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे शुद्धतम रूप है पांचवा क्वेश्चन देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी का परसेंटेज में कुछ भी चांदी से नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ठीक है छठों क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिला जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए देखिए लोहे में क्रोमियम और निकेल बनाया जाता है और स्टेनलेस स्टील को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं मतलब वेल्डिंग नहीं कर सकते इसका सातवां क्वेश्चन देखना किस में कार्बन नहीं होता है इन सभी ऑप्शन में से तो कार्बन जाहिर सी बात है एक ही दिख रहा है आपको सैंड बालू में कार्बन नहीं होता है बाकी ये तीनों जो कि एक तरीके से कर लीजिए दो तो कार्बन का पुरुक है कोयला आपका कार्बन होता है इसमें आठों क्वेश्चन इंग्लिश में से कौन से प्राणी अपने आँत में जल का संग्रह कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऊट जो है अपने आँतों में जल का संग्रह कर लेता है और बहुत दिनों तक वो बिना जल के भी रह सकता है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों तो लौंग दोस्तों पौधे के शुष्क पुष्प कली जो होता है उसी से ड्राई फ्लावर ब्लड ब्लड बड़ जो होता है उसी से आपका लॉन्ग मिलता है दसवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए इनमें से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम नहीं बनाती तो यस इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों पारद जो है मरकरी यहाँ पे किसी और के साथ अमलगम नहीं बनाती है ग्यारहवा क्वेश्चन इंग्लिश में से कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है तो दोस्तों जी हाँ इस क्वेश्चन में रेबीज कुत्ते या बंदर के काटने वजह से होता है बाकी हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस डाउन सिंड्रोम ये सभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले रोग हैं बारहवां क्वेश्चन लिखने किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है दोस्तों हरा प्रोटोजोआ हम लोग कहते हैं युगलिना को ऑप्शन नंबर ए इज राइट युगलीना देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस का एक हजार क्वेश्चन का मैंने एक एक्सपेक्टेड ई बुक लॉन्च किया है जो अति संभावित प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए तो आप इस साइंस के ई बुक को लेके सारे प्रश्नों को रिविजन कर डालिए जिसमें एक प्रश्नों के डिटेल भी दिए गए हैं तो साथ साथ आपको याद करने में बहुत आसानी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप इसे ले फटाफट रिविज़न शुरू कर दीजिए एंड बाकी दोस्तों जी के कवर करना चाहते हैं तो जी के सभी सत्तर से ज़्यादा टॉपिक जो टी सी एस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है इन सभी को लेकर आप फटाफट एकदम रिवीजन करके याद कर लीजिए जिससे आप 10 नंबर को अपने फिक्स कर सकते हैं और इससे बाहर आपका जी के जाने वाला नहीं है सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है और ये सभी परीक्षाओं में अगर आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं सी बैंक उत्तर प्रदेश पुलिस यू पी एस आई यू पी सबके लिए आपको हेल्पफुल होगा तो आगे आपको हमेशा ये काम देगा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे देखिए निम्बलिखित दोस्तों एम्फीबियंस की विशेषता क्या नहीं है तो एम्फीबियंस दोस्तों केवल जल में नहीं रहते हैं वो जल और स्थल दोनों में होते हैं त्वचा तो अच्छा में स्लेस ग्रंथियां पाई जाती हैं इनकी केंद्र के युद्ध आरबीसी पाया जाता है इनके हृदय में तीन प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं मनुष्य के लार में एंजाइम पाए जाते हैं <coughs> कौन से मनुष्य के लार में दोस्तों जो एंजाइम पाए जाते हैं वो आपका ए तथा बी दोनों मिल्ट माल्टेज एंड टाइलिन ठीक है क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा में माल्टेज एंड टाइलिन दोनों पाया जाता है और भोजन का पाचन आपका इन्हीं से शुरू हो जाता है मुख से ही शुरू हो जाता है निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम मोम है तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैराफीन जो मोम होता है पेट्रोलियम वही आपका मोम होता है ऑप्शन नंबर बी अगला दिन दोस्तों अमीबा का वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार पूछा गया है बहुत ईजी है जी हाँ दोस्तों अमीबा का वैज्ञानिक नाम है जो है अमीबा प्रोटियस है दोस्तों बॉस इंडिकस किसका नाम है कमेंट करके बताइए कि बॉस इंडिकस होमोसेम्पियस तो मनुष्यों का है बॉस इंडिकस किसका है बताइए सत्रहों को से देखिए एक व्यक्ति के रक्त के पीएच के मान में कितना प्रतिशत की कमी हो, अगर हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों मनुष्य के जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4 अगर ये 7.2 हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में परिवर्तन हुआ तो निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है जी दोस्तों निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो जो है वो है आपका कैल्शियम है ऑप्शन नंबर डी इज राइट उन्नीसवां क्वेश्चन देखिए पसीने का मुख्य उपयोग क्या है मतलब वो क्या करता है जी हाँ दोस्तों पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे बीसवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जब किसी बोतल में भा, पानी भर उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों जी हाँ दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि पानी जमने पर फैलता है इसी वजह से ऐसा होता है अगर आपने प्लास्टिक का बोतल फ्रिज में रखा होगा तो फैल जाता है ये इस रीज़न इसका यही है दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं सभी लोग लाइक कर दिया करें जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है और प्रतिक्रिया बटन बनाया भी इसीलिए गया है तो आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि मैं लगातार मेहनत से सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों तक भी पहुँचें कहीं पर भी शेयर कीजिए लेकिन कीजिए चैनल पर हैं तो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए साबुन की तुलना में डिटर्जेंट दीर्घ रेडियो तरंगे के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं जो रेडियो वेव्स होते है। जी हैं जी हाँ दोस्तों आयन मंडल जो सब बाहर बहिर्मंडल सब से आपका परावर्तित होता है अगला देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वो धातु में होता है मेटल में होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं भा, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे कौन सी जगह पे दोस्तों भारत में इन सभी ऑप्शन में मुंबई में भारी जल बनाया जाता है वैसे अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है तो उड़ीसा के तलचर में बनाया जाता है सबसे ज़्यादा डी टू ओ जो कि नाभिक में मंदक का काम करता है नाभिकी रिएक्टर में परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं केंद्रक में पाए जाने वाले मूल कण दोस्तों आप सभी को पता है ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की कमेंट करके बताइए एक ट्रिक है ना इसका ईटा पर नाच आगे बढ़िए क्वेश्चन में पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसमें एक तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है दोस्तों ये तो उसकी पत्तियों में ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है तो जी हाँ दोस्तों ये कौन है यह दोस्तों जीवाणु सूक्ष्म सेवाल और कवक जो कि उद्योगों में इसको व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है अट्ठाईसवा क्वेश्चन धान के पौधे उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई कहाँ से धान के पौधे उगाने के दोस्तों ये फिलीपींस से शुरू हुआ ऑप्शन नंबर सी इज राइट उनतीसवां क्वेश्चन देखिए आंध्र सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन क्रिया का कारण क्या है तो आंध्र सल्फर डाइऑक्साइड का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उसका रिड्यूसिंग गुणधर्म की वजह से ऐसा होता है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कार्बन डेटिंग निम्नलिखित आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है कार्बन डेटिंग किसके आयु के निर्धारण के लिए होता है दोस्तों तो दोस्तों जीवाश्मों के निर्धारण के लिए उनके आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एक हज़ार प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण अति संभावित है आपके ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी में है तो इंग्लिश वाले मत लीजिएगा और सभी प्रश्न दोस्तों आप डिटेल के साथ पाएंगे सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी दिए गए हैं इस ई बुक पी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप वहाँ से इसको ले सकते हैं अगर आप अच्छे से रिविजन और याद करना चाहते हैं एंड दोस्तों ई बुक जो मैंने जी का लॉन्च किया है जिसमें लगभग सारे टॉपिक जो आपके जी में पूछे जाएंगे इसमें कवर कर दिए गए हैं आपको बस लेके इसको फटाफट सारा रिविज़न करना है एग्जामिनेशन आते आते तक पूरा कवर करना है इस ई बुक का लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोनों ई बुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे ले सकते हैं वहां से चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावनाएं किस देश की कि, संभावनाएं देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में थोरियम के भंडारों पर यह निर्भर करती है ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन जो संभावनाएं हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है तो ये कौन है दोस्तों इसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई है दोस्तों ये है आपका हमारा पिग जो है रेशों को अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाता है तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आया है काफी बार ये निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का कारण होता है मतलब टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसकी से होता है जी हाँ दोस्तों टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है क्वेश्चन आया है इसको आप लोग याद रखिएगा एज राइट चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दोस्तों क्वेश्चन देखिए तो रॉबर्ट बेब्स्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों रॉबर्ट बेब्स्टर याद रखिए नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा वायरस ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसमें जो सही तरीके से इनका योगदान जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए इसीलिए इनको जानते हैं हम लोग इनका नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ रॉबस्टर रॉबर्ट बेबस्टर याद रखेंगे पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलेगी फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर कौन निकलेगी हीलियम हाइड्रोजन दोस्तों हाइड्रोजन इज द आंसर right ऑप्शन नंबर बी राइट अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्की जो गैस कौन है तो हाइड्रोजन ही है हीलियम नहीं है ठीक है इसको याद है, हीलियम नहीं है, सबसे हल्की ही है अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है तो कौन से तरंगों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है इसमें दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों पोलियो के टीके की दोस्तों जो खोज किया गया था वो जॉन साल के द्वारा किया गया था इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बताइए लुइस पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था यह भी प्रश्न काफी बार आया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों तो ये आपका हार्टीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है जी हाँ दोस्तों ये स्थित है आपका बेंगलुरु में कैपिटल ऑफ कर्नाटका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों जब ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे दोस्तों वायुदाब कम होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसलिए देखिए कहते हैं ऊंचाई पर हम लोग चावल को कम समय पका सकते हैं ज्यादा समय पका सकते हैं फिर पका ही नहीं सकते ये ठीक है दसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है यहाँ पे द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करेंगे तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा घटेगा कम होगा देखिए सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों ओस की बूंदे जो पत्तों पर गोल होती है उनका रीजन क्या है कमेंट करके बताइए ईजी है क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है हमारा परावैग्न किरणों की खोज इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया दोस्तों परावैग्न जो किरणों की खोज की गई वो किया गया था रीटर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कम से कम एक दो शेयर कीजिए कहीं पे कीजिए लेकिन कीजिए ठीक है जिससे दूर तक जा सके और भी लोग क्लास में जुड़ सकें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है डब्लू द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है ठीक है सर्वोत्तम ध्वनि स्तर जो आइडियल एक डेसिमल है वो कितना है डेसिबल दोस्तों ये है 45 जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया बताया गया वैसे तो 40 भी है लेकिन 45 इनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इनमें से किसके पायस है किस, किस में दूध जल पेंट देखिए दो या दो से अधिक अमिश्रित को जो हम मिलाते हैं तो क्या लगता है चलिए छह क्वेश्चन आपके लिए इसमें दूध होगा कि पेंट होगा फिलहाल मैंने यहाँ पे आंसर पेंट में दिया है तो दूध होगा कि पेंट होगा कमेंट करके बताइए चौदह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है लकड़ी की जो भी वस्तु होती है वुडन उसमें कीड़ों से बचाने के लिए दोस्तों उसमें जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है जिसमें उसमें कीड़े ना लगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा पंद्रह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला इन सभी ऑप्शनों में से कौन है सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है तो एंथ्रासाइड कोयला दोस्तों जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए ये मैंने आपको लास्ट जो कि सेशन में पूछा था सोलहवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है जुगनू रात में चमकता है रीजन इसका क्या है दोस्तों मतलब जुगनी जुगनू के चमकने का तो लुसी ऑप्शन नंबर है इसी से देखिए देखिए जुगनू चमकता है है उसका जो चमक है। अगला क्वेश्चन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे अठारह क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है दोस्तों ये किसमें होती है तो रेड कलर में होती है और सबसे पहले ही और इसमें क्या क्या चाहिए होता है इसमें एच टू चाहिए होता है इसमें सी ओ टू चाहिए होता है इसमें धूप चाहिए होता है और इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है इन सभी के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी है दोस्तों तो रक्त का थक्का बनाने के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो है आपका फाइब्रीनोजेन ऑप्शन नंबर ए इज राइट अगर विटामिन पूछेगा दोस्तों तो विटामिन के की जरूरत आपकी बॉडी में पड़ेगी इसके लिए क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है मानव मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों हल्का पीला जो रंग होता है दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट कमेंट करके बताइए जो मानव यूरिन है उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है बहुत ईजी है बताइए कमेंट करके क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं मनुष्य मधुष्यवृक में बनने वाली जो पथरी होती है वो क्या होती है तो जो किडनी के अंदर जो पृथ्वी बनता है वो क्या होता है दोस्तों तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए इज राइट बाईसवां क्वेश्चन ले देख लेते हैं हमारे क्या है दोस्तों विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम सबका वैसे आपको केमिकल नेम याद रखना चाहिए जी हाँ दोस्तों ये है आपका नियासीन बोलते हैं वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त तो रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों इसमें स्पेशली उसमें लाल हरा नीला का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी जितने भी रंगीन टेलीविजन होते हैं क्वेश्चन देखिए सैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है सैवाल इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी ऑप्शन नंबर डी इज राइट पच्चीसवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ से होता है तो शरीर में दोस्तों वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइक्रोकांड्रिया ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है यहाँ पे गुर्दे में रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है जो रीनल पथरी नामक रोग होता है दोस्तों ये चाय के ज्यादा जो कि सेवन की वजह से होता है ए इज राइट सत्ताईसवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित है? तो में से कौन सी एक मछली है तो जी हाँ दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी एक मछली है तो आपका सेलमोन ऑप्शन नंबर डी एक मछली है कि मछली नहीं है ठीक है तो ऐसे जेलीफिश वेल ये सारे क्या हैं आपको बताना है अगर ये मछली नहीं है तो ठीक है अट्ठाईसवा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं होती हैं किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों ये है युगलीना ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे है क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा कोशिकांग है ये दोस्तों ये है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है एंड द लास्ट वन तीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है तो यस यू आर राइट विटामिन की बात कर रहा है दोस्तों पे तो राइबोफ्लेमिन यहाँ पे एक विटामिन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट बुक e लाया है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन दोस्तों वन थाउजेंड क्वेश्चन जो मोस्ट आस्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए आपके परीक्षाओं में और ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना है बहुत ज्यादा है एंड इन सभी एक हजार प्रश्नों के डिटेल भी दिए गए हैं दोस्तों ये ई e बुक आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा अप्रोक्सिमेटली फाइव थाउजेंड के आसपास स्टूडेंट्स को ले चुके हैं बहुत जल्द मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च कर दूंगा एंड सेकेंड दोस्तों गेस्ट पेपर है जो मैंने स्पेशली ग्रुप डी के लिए दोस्तों बनाया है हमारी टीम ने मिलकर बनाया है जिसमें 500 सौ अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्नों को कवर किया गया है गेस्ट पेपर है ये अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ये 500 प्रश्न लगाइए और सभी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहां से देखने के लिए मिलेंगे ये भी ई बुक दोस्तों अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को भी ले चुके हैं तो ये प्रैक्टिस के लिए है गेस्ट पेपर है निश्चित तौर पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देख पाएंगे मैथ को कंप्लीट कवर किया गया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट ले लीजिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइए पूरा जी हाँ दोस्तों ये जो दिया गया है ये दिया गया है विकेटर के द्वारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट याद रखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है विकेटर के वर्गीकरण प्रणाली में किस जगह को मोटो जोआ कहा गया है प्रोटो जोआ नहीं मोटो जोआ कहा गया है तो कौन सा जगह है दोस्तों विकेटर के क्लासिफिकेशन को दोस्तों जंतु जगत एनिमल वर्ड जो है दोस्तों इसी को क्या कहा गया है मोटोजोआ अगला क्वेश्चन देखने किसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है किसे है जो हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस माइक्रोकांड्रिया गालजिकाय राइबोसोम या फिर लाइसोसोम जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हम लोग गालजिकाय को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑप्शन नंबर बी क्या बता सकते हैं किसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कमेंट करके बताइएगा इजी है ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सेव में लाल रंग का जो कारण होता है वो रीजन क्या होता है लेकिन सेव में आपका एसिड पाया जाता है उसे फाल्स क्या बता सकते हैं टमाटर का जो उसका लाल रंग होता है वो किसकी वजह से, किस से होता है कमेंट करके बताइएगा जरूर पांचवा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होगा यहाँ पे भाग दोस्तों जीव कोशिका का यहाँ पे माइक्रोकांड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका सही हो जाएगा छठवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए जी दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों हो जाएगा आपका रेटिनॉल मैंने आपको कई बार बताया है रथ एक टॉफी विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई e, एंड विटामिन ए रेटिनॉल थामिन एस्कॉर्बिक एसिड कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल एंड फीलोक्यूनोन तो सारे का केमिकल नेम आप इससे निकाल सकते हैं सातवां देखिए दोस्तों जो कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है जी दोस्तों किलोसिस नामक जो रोग है ये विटामिन बी टू के द्वारा होता है इसी की कमी की वजह से होता है आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों लिगामेंट किसको जोड़ता है इन सभी ऑप्शनों में से लिगामेंट जो है ये किसको जोड़ने का काम करता है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम अगर कोई करता है दोस्तों तो वो करता है लिगामेंट अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन मानव शरीर में कैल्सियम था अस्थियों में कैल्सियम की के मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है तो जी हाँ दोस्तों ये जो ग्रंथि है ये है आपका पैरा आ, जो कि थाराइड ग्रंथि जो कि क्या करती है अस्थियों में कैल्सियम की के मात्रा और मानव शरीर में कैल्शियम की संतुलन को संतुलन को बनाए रखती है निम्नलिखित में से किस बीमारी में हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है ये कौन सी बीमारी है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ये है देखिए आपका रेबी जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं ग्यारहवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं अक्सर इसको फल पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सा है जी हाँ दोस्तों यहां पे जाएगा एथिलीन जिसको हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं डी इज राइट बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों बर्फ के लिए गलन की गुप्त उषमा कितनी होती है बर्फ के लिए जो गलन की गुप्त उषमा है कितनी होती है जी हाँ दोस्तों इन सब हो जाएगा आपका 80 कैलोरी ग्राम ऑप्शन नंबर ए इज राइट right. तेरहवा देखिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है जी हाँ इजी है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है बी इज राइट दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं एक ग्रुप में एक शेयर आप सभी लोग जरूर किया करो जो मैं लगातार मेहनत से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए एंड इस वीडियो के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगे चौदहवा क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों देख लेते हैं यहां पे क्या है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है तो बताइए कौन सा भाग है जी हाँ दोस्तों ये है आपका तना जिससे आपका हल्दी प्राप्त होता है सीज राइट क्वेश्चन तो के तो मूत्रालयों के समीप तीक्षण गंध का रीजन क्या होता है जो लगातार महक आती है इसका दोस्तों अमोनिया होता है रीजन क्योंकि अमोनिया की मात्रा निकलती है सोलह क्वेश्चन तो से लॉफिंग गैस भी कहते हैं तो कौन सा गैस है दोस्तों जिसे हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं जी हाँ सही आंसर हो जाएगा आपका एन टूओ नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं लॉफिंग गैस सत्रहवा देखिए दोस्तों हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो कौन होता है जी हाँ दोस्तों ये होता है आपका फ्लोरीन डी इज राइट अठारवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक काम कर सकता है निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है सही आंसर दोस्तों जाएगा यहां पे बंदूक से चली हुई गोली काम की बात की जा रही है यहां पे तो सबसे ज्यादा यही करेगा ए राइट दूर तक भी होगा देखिए एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य जो होता है वो क्या होता है डी टू ओ जिसका उत्पादन तलचर उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है सही आंसर दोस्तों जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना ऑप्शन नंबर ए इज राइट बीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद दोस्तों होता है आपका सीसा right। सी इज राइट इक्कीसवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह पीछे की तरफ हट जाता है नाव जब होता है तो यह उदाहरण कौन से नियम को दर्शाता है जब वो नाव से कूदता है तो नाव पीछे चलाता है और वो आगे कूदता है दोस्तों ये न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है क्वेश्चन देखिए दोस्तों आधुनिक सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है तो आधुनिक अवर सारणी में जी हाँ सही आंसर हो जाएगा आपका अट्ठारह समूह और सात आवर्त मौजूद है तेईसवा क्वेश्चन देखिए एक असक्ति में कितने वाट होते हैं एक शक्ति में कितने वाट होते हैं जी हाँ दोस्तों इसमें होते हैं सात सौ छियालीस वॉट सी इज राइट right. चौबीसवा देखिए दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण क्या है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो परिवर्तन दोस्तों ये है आपका सितार यही इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा यंत्र से सीधे ध्वनि में यहां पे अगला देखिए दोस्तों दाब का ऐसा ही इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा होता है दाब का ऐसा मात्रक कौन सा होता है दोस्तों हो जाएगा पास्कल बिल्कुल सही डी इज राइट छब्बीसवा क्वेश्चन में फाल्स गोल्ड कहते हैं फाल्स गोल्ड फूल बनाने वाला सोना दोस्तों यह है आपका आयरन सल्फाइड बी इज राइट 27वां देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है अलग है मतलब उसका कुछ और ही होता है जी हाँ दोस्तों सही हो जाएगा यहां पे पीसी कल्चर इसमें लाख नहीं इसमें मछलियों का पालन होता है बाकी एप्रीकल्चर में मधुमक्खी सेल्चर में सिलवॉर्म एंड हॉर्टिकल्चर में फूलों के लिए दोस्तों मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहां से मानव हार्मोन इंसुलिन जो उत्पन्न होता है दोस्तों ये अग्नाशय से होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट उन्तीसवा क्वेश्चन देख ले तो मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर होने वाला रोग कौन सा होता है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी हुई झिल्ली में सूजन आ जाने वाला जो रोग है दोस्तों वो है आपका मेनेंजाइटिस इसको बोलते हैं डी इज राइट right. तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों आपका ध्वनि निम्नलिखित किस कि प्रकार से चलती है ध्वनि जी हाँ बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका अनुदयत तरंगों की तरह बी इज राइट ये थे तीस प्रश्न जो डिलीवरी पे आपको मिल रहे थे छब्बीसवां भाग था आप लोग इसी प्रकार सभी भागों को लगाइए अगर आपको वीडियो एक, पर, एक परसेंट भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके प्रतिक्रिया जरूर दें एंड वीडियो को शेयर करें चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें जिससे आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं दोस्तों सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है आप डायरेक्टली वहां से उसको ले सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद वंदे माता

जो प्रश्न है उन सभी को लिया गया है तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है तो टाइमर चलेगा पांच सेकंड का सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन हॉक दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी की वजह से होता है तो धान का खैरा रोग आया है प्रश्न दोस्तों ये ये जो होता है ये जिंक की कमी से होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है विटामिन का हमारे शरीर में मेन काम क्या होता है ठीक है कमेंट करके बताइएगा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक जाती है इन सभी ऑप्शन में से क्या है कैंसर है तपेदित है कलर ब्लाइंडनेस है या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलर ब्लाइंडनेस जो एक तरीके से कह लीजिए रतौदी होती है मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका चौथा क्वेश्चन देखिए एक्स किरण तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों तो आपको बताना है ये शाखा कौन सी है कीमोथेरेपी रेडिएशन सिस्मोलॉजी तो कभी नहीं होगा रेडियोलॉजी पॉसिबिलिटी है सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा रेडियोलॉजी इज द राइट आंसर जिसमें एक्स एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया जाता है था। दोस्तों बहुत बार एक प्रश्न आया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की तो कमेंट करके बताइए कि एक्स रेज के खोजकर्ता कौन है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बन सकती है मैंने आपको बताया था बैरोमीटर से हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करते हैं कि क्या होगा बारिश होगा नहीं होगा तूफान आएगा दोस्तों अगर अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी आने की संभावना होती है पाठ्यक्रम में अगर उसका पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है इसका मतलब आसमान साफ रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा मतलब वर्षा होने वाली है अगर अचानक बहुत तेजी से गिर जाता है दोस्तों इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है अगला क्वेश्चन देखिए कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है दोस्तों आप इस सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि लगातार मैं ऐसे जो कि सेशन आपके लड़ रहा हूं एग्जाम एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कासा दोस्तों किसका मिश्र धातु है दोस्तों ये तांबा और टीन का है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से दूषित जल मिलने पर कौन सा रोग होता है अगर हम दूषित जल पीते हैं तो हमको क्या हो सकता है स्कर्वी तो नहीं होगा टाइफाइड एनीमिया मलेरिया भी नहीं होगा बी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं टाइफाइड दोस्तों हो जाएगा आपको स्कर्वी किस विटामिन कमी विटामिनी होती है मलेरिया किससे होता है दोस्तों मलेरिया मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने की वजह से आपको होती है आठवां क्वेश्चन लेखे निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है तो वह पदार्थ कौन सा है जी हाँ दोस्तों यह कौन सा है जो इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में इसमें देखिए पारद वाष्प और आपका आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी फ्लोरसेंट ट्यूब में और दूध के पीने से ही दोस्तों आपके मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है क्योंकि लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है अगला देखिए इस कारण पादप पूरे जीवन कार्यविधि करते हैं कौन सा जो कि यहाँ पे रीजन है सेल वॉल कोशिका द्रव्य विधर्मी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों उनका जो दोस्तों जो विधर्मी क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी इसी वजह से वो पूरे जीवन कार्यविधि करते रहते हैं दोस्तों रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है केमिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चौदह क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतु था कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा युगलीना जीवाणु नील हरित सेवाल या फिर माइक्रोप्लाज्मा सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये है आपका युगली ए इज राइट right. पंद्रह क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से अधिस,